Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी सैंटेनारियो चुरा ली थी क्योंकि टक्कन बॉस आया हुआ था लॉस सैंटोस अपनी बर्थडे पार्टी करने के लिए और दूसरी साइड से एल रूबियो भी अपनी पूरी सिक्योरिटी कायो पेरिको आइलैंड से लेकर आ गया था लॉस सैंटोस उसे मारने के लिए. बट बाद में पता चला कि लॉस सैंटोस में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनी है. वैसे बिल्डिंग बनी नहीं है, ये बेसमेंट से पूरी की पूरी बिल्डिंग बाहर निकली है. मतलब ये अंदर से खाली है, मैं कैसे समझाऊं. बट हाँ, जो भी है, ये अभी लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और लास्ट नाइट इसी में डगन बॉस की पार्टी हुई थी. और अभी क्या सीन है कि जब उस टाइम पे एल रूबियो से लड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग से हम लोग वहाँ पर गए थे. जितने भी बड़े बड़े बंदे आने वाले थे इस पार्टी में, हमने उन लोगों को पहले ही बाहर मार दिया. बट हाँ, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी इस पार्टी में आया था, पर वो भी इस पार्टी में है. और इस टाइम सीन कुछ ऐसा है कि एल रूबियो को डगन बॉस ने पकड़ लिया है. हम तो वहाँ से भाई देखो भाग गए थे, वैसे भी अपने पास पुलिस वालों की ड्रेस थी, तो सिक्योरिटी गार्ड को तो पता चल गया था यहाँ पर गड़बड़ हुई है. एल रूबियो ने पूरा दम लगा दिया डगन बॉस को मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाया. लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग वहाँ से निकल गए. और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर बिग माफिया का भाई इंतज़ार कर रहा था कि कब हम लोग वहाँ से निकले, कब एकदम सिचुएशन बढ़िया हो और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही गिरा डाले. मतलब कि यार इस टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को बिग माफिया का भाई गिरवाने वाला है. लेकिन रात में 3 बजे उसने मुझे ये बात बोली थी और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी तक ये बिल्डिंग नहीं गिरी. अगर डगन बॉस को मालूम पड़ गया ना कि हम भी बस सामने वाली बिल्डिंग पे हैं, तो वो यहीं आके हमें मारेगा. फिलहाल एल रूबियो को तो मेरे हिसाब से अभी तक उसने मार दिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है. फिलहाल मैं इससे बात करता हूँ, आखिरकार क्या सीन है, यहाँ से भागे या क्या करे. तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इस बिल्डिंग को ये किसी बुलडोजर या फिर किसी बॉम्ब ब्लास्टर नहीं गिरवाने वाला है. इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इसने स्पेशली एक प्लेन मंगवाया, पता नहीं कौन सी कंट्री से. वो बहुत बड़ा कार्गो प्लेन है और वो देखो भाई, वो सामने से आ रहा है और यहाँ तक पहुँचने में भी उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. यानी बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन इधर होने वाला है. वो रहा सामने प्लेन. वैसे गाइस एक सेकेंड, ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये एक कार्गो प्लेन है और इसका साइज एक नॉर्मल प्लेन के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा होता है. और ये तो बहुत ज्यादा ही तेज स्पीड में इस बिल्डिंग से भिड़ने के लिए आ रहा हो भाई. तो यार ये कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं हो गया है? मतलब कि लॉस सैंटोस की इतनी बड़ी बिल्डिंग में कार्गो प्लेन लाकर ठोक दिया है और अब ये जो बिल्डिंग है भाई, यहाँ से नीचे गिरेगी इतनी गंदी तरह और पता नहीं यार इस जगह पर क्या ही होने वाला है. हटा यार, जो भी हो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक गंदी तरीके से आग लग चुकी है. कुछ ना कुछ तो बहुत गलत यहाँ पर होने वाला है. हो सकता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ से गिर जाए. फिलहाल हाँ यार, मुझे भी यहाँ से ना फटाफट से निकलना चाहिए था कि कोई भी गड़बड़ वाला काम ना हो. बिग माफिया के भाई ने मुझे तुरंत बोला था कि जैसे बिल्डिंग ब्लास्ट हो तुम अपना निकल लेना. वो अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर मंगवा रहा है पूरी सिक्योरिटी के साथ और अभी वो शहर छोड़कर जाने वाला है कुछ टाइम के लिए. मेरे को तो लग रहा है सीधा नॉर्थ एंगटन भागेगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, नॉर्थ एंगटन में इसकी बहुत ज़्यादा. यार मैंने दोबारा से हेलीकॉप्टर जाते हुए देखे. चलो कोई नहीं यार, फिलहाल मुझे पहले यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा. बट हाँ यार, जो भी हो, अभी सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है. अपने दोनों दुश्मन मर गए हैं, बट हाँ उसी बीच अपना एक दोस्त भी मर गया है जिसको मरना नहीं चाहिए था, और वो है अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड. यार बेचारे, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना इतना अच्छा दोस्त था. बट हाँ यार, अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था. अगर वो नहीं मरता तो हम लोग भी यहाँ से आज नहीं बच पाते. फिलहाल मुझे यहाँ से ना नीचे चलना पड़ेगा. मेरे पास एक सेकेंड, मेरा पैराशूट. भाई गड़बड़ हो जाती है भैया. मेरे को पता था मेरे पास पैराशूट है और इन सब जगहों पे भैया पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. बट हाँ, फिलहाल अभी पहले हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं. बिल्डिंग बहुत गंदी तरह ये ब्लास्ट हुई है. एक बारी में पहले, ओह भाई कितना डेंजरस लग रहा है नज़ारा यहाँ से, ये एटॉमिक वालों का वो भी. ओके, पहले एक बारी हम लोग गाइस वहाँ पे ना पास में चलते हैं. यहाँ पर पुलिस वालों के भी सायरन का मुझे आवाज़ आ रहा है. जल्दी से चलते हैं भाई, देखते हैं क्या सीन है भाई. वहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग, वैसे एक बात माननी पड़ेगी यार, ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत. ओ भाई वहाँ पर क्या हो रखा है ये, हेलो ये. हाँ मैं ये कह रहा था कि जो बिल्डिंग है ना बहुत ज़्यादा ही मजबूत. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बिल्डिंग है ना, अरे कसम से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. वो प्लेन इसमें आके भिड़ा बट देखो पार नहीं कर पाया इस बिल्डिंग को. मुझे तो लग रहा था प्लेन इधर से घुसेगा और उस साइड निकल जाएगा, बट हाँ ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही मजबूत है. फिलहाल मुझे पहले आगे चल कर दे. यार मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कुछ पता नहीं है. ये बिल्डिंग गिर भी सकती है भाई ऊपर से.
वैसे यार देखो, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर इस बिल्डिंग में से टूट के गिर रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए। तो मुझे ना भैया इस एरिया से निकलना पड़ेगा फटाफट से। सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर कोई भी गाड़ी शहर में नजर नहीं आ रही है। मतलब आज संडे है क्या, जो सारे एकदम छुट्टी मार के सो रहे हैं? पुलिस वाले तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं भाई। मुझे एटलीस्ट उन्हें तो कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में बिल्डिंग गिरी और इधर लोग हुए ना, तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी अच्छी बात तो यह है कि पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पर, भाई मैं ही बन जाता हूँ लॉस सैंटोस का पुलिस ऑफिसर, सबसे बेस्ट ईमानदार, टाइम पे पहुंचने वाला। बाकी यहाँ गाड़ी में लेकर आगे तो जा रहा हूँ, बट ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं। ओ एक सेकेंड भाई भाई भाई, आगे अभी भी और भी काफी ज्यादा ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। रुक जाओ भाई भाई भाई, यहाँ पर यार काफी ज्यादा। ओ एक सेकेंड भाई, यहाँ पर भाई ऊपर से कुछ कुछ तो गिर रहा है भाई, लग रहा है गाड़ी वाड़ी ऊपर। ओह भाई, यहाँ पर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, काफी सारे बंदे यहाँ पर ऊपर से गिर के मरे हैं। रुक जाओ यार, पहले मैं अपनी गाड़ी का सायरन बंद करूँ फटाफट से ना। यहाँ पर भाई हमें सबसे पहले तो एम्बुलेंस की जरूरत है, ताकि ये जो लोग गिरे हैं ना, क्या पता इनमें से एक आध भी बच जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक मुझे याद है 911 नंबर था, तो फटाफट से हम लोग इस पर डायल करते हैं। एंड यहाँ पर अपने आप ही पुलिस वालों की लग रहा है एम्बुलेंस, तो वो देखो वहां से मुझे जाती हुई दिखी है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट से भेजो भाई, यहाँ पर आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो लोग पहले ही आ जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी कुछ जल जल के जो ऊपर से गिरे, एटलीस्ट वो तो बुझ जाएगी ना। मैं असली पुलिस वाला बन के यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ? ओके, तो एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुके हैं भाई, जल्दी आओ, यहाँ पर बंदों को बचाओ, इतने सारे बंदे मारे जा चुके हैं। वो एक सेकेंड भाई, आराम से क्यों, कुछ ज़्यादा थे पागल है ये लोग भाई, इतनी भी ज़्यादा इमरजेंसी भाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इनका भी दिमाग अभी लग रहा है पूरा सटिया गया है भाई, ला के सीधा लैंपो में ठोक दी भाई। रुक जाओ, फायर डिपार्टमेंट से कोई गाड़ी नहीं आई, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं भाई, इसके खुद हालत खराब हो गई है कि ये क्या है। हेलो भाई, तेरे को बंदों की जान बचा, अरे कैसा बंदा है, एक मिनट रुक जाओ। चलो यार कोई बात नहीं, शायद ये बहुत ज़्यादा डर गया है, इसको लग रहा है बस ये बिल्डिंग गिरने वाली है, अगर ये बंदों को बचाएगा तो ये खुद नहीं बच पाएगा। वैसे उसने भी सही सोचा है, अभी मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, खाली पीली इन बंदों को बचाने के चक्कर में ये पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर ही गिर जाएगी और मैं खुद यहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा। बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है भाई, शायद से फायर ओके, यहाँ पर कुछ कुछ बंदे शायद बेचारे अपने ऑफिस में आना चाहते हैं। मेरे को उस रास्ते से आगे नहीं जाना, दूसरे रास्ते से आगे जाना है। एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है, बट अभी इधर कुछ नहीं होने वाला, ये भी देखना कैसे भागेंगे यहाँ पर। ये दूसरे हॉस्पिटल से आई है, वो दूसरे हॉस्पिटल से थी, और लो भाई इसने भी अपनी गाड़ी निकाली, कहा भैया ये बिल्डिंग गिरेगी तभी कोई पुलिस वाला, फायर डिपार्टमेंट से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं क्यों रुकूँ भाई, मैं तो असली पुलिस वाला भी नहीं हूँ, मैं खाली पीली हेल्प करने लग गया भाई इन लोगों की। लेट्स गो गाइस, फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे गाइस एक बारी ना मैं आप लोगों को बैक साइड से इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो कितनी बुरी तरह आग लग चुकी है भाई इस बिल्डिंग में, और मुझे तो नहीं लगता कि आज शाम से पहले ये आग बुझने भी वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है और आग लगी है, तो सीधी सी बात है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, और टॉप फ्लोर पर लगी है तो वहाँ तक भाई फायर ब्रिगेड को पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं भैया दूर निकल रहा हूँ, अगर ये इधर ही गिरी ना तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता नहीं गिरेगी, इतना बड़ा प्लेन उसमें आकर ठुक गया, वो तब तो गिरी नहीं, अब क्या गिरेगी। फिलहाल हाँ हम लोग सायरन ऑन कर लेते हैं, वैसे रोड सुबह सुबह पूरे खाली पड़े हैं, बट फिर भी हमें नए वाले घर पर जाना है तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं और अपने प्यारे हस्की से मिलने वाला हूँ मैं भाई बड़े दिनों के बाद, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फाइनली हम लोग अपने घर पर पहुँच चुके हैं, कहीं से भी आ जाओ भाई लॉस सैंटोस, एकदम सीधा रास्ता भाई इस घर का। तो हाँ ये जो लैम्बो है ना भाई, एक सेकेंड, मैं अभी अपने घर नहीं जा रहा, सबसे पहले भाई एयरपोर्ट निकलते हैं, वहाँ पर मेरी लंबोर्गिनी उरुस खड़ी हुई है, और जो पुलिस वालों की गाड़ी है इसके अंदर GPS है, इस गाड़ी को मैं फोड़ने ले जा रहा हूँ, ताकि अब क्योंकि देखो भाई आज से हमने सारे बुरे काम छोड़ दिए भाई, लास्ट अपने जो दो दुश्मन थे उनको भी हमने मार के उनका खेल ख़त्म कर दिया है, और मुझे नहीं लगता आगे अपनी किसी से लड़ाई होने वाली है, तो इस गाड़ी को भी मिटा कर अपने जो जितने प्रूफ हैं उन सबको मिटा देते हैं और एक अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इस गाड़ी को पूरा आगे से घुमाकर ले आ चुका हूँ, एंड अभी सामने हाँ ये वाला एरिया थोड़ा बहुत सही है, तो फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर लेकर चलते हैं, यहीं से डायरेक्ट मैं इसे अंदर पानी में डुबा दूंगा, और यहाँ पर अंदर जाने के रास्ते ओके, तो यहाँ पर एक गेट है भाई। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है इस गाड़ी को पानी में फेंकते हुए, क्योंकि इस टाइम पर ना भाई अपने बैंक में $5,000 हैं,
और हम लोग भाई कम से कम $2 million की स्पेशल लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो पानी में ले जाके डुबो रहे हैं। लेकिन आए इतने में इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको थोड़ा बहुत और आगे करना पड़ेगा ताकि अच्छे से पानी में चले जाए, बस अभी ठीक है। अब जाए ना जाए भाई मेरी गारंटी नहीं है, बट हाँ थोड़ी देर में अगर ऐसे कोई वेव आती है तो ये अपने आप ही चले जाएगी। बाकी हमारा काम है इसे अच्छे से जला देना। ओ एक सेकंड भाई, हाथ से छूट गया, अभी अगर कल को ब्लास्ट करना होता अपने ऊपर ही हो जाता भाई। फिलहाल हाँ इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ भाई, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, बस अभी ठीक है। अब निकलते हैं हम लोग भाई पानी से बाहर। कितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी मुझे फेंक के आनी पड़ी है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फिलहाल हाँ जल्दी से गाइस हम इसे ब्लास्ट कर रहे हैं। एक बूम यहाँ पर गिरा था, पहले मैं उससे साइड हो जाऊँ, देन हम लोग इसे ब्लास्ट कर देते हैं। और एक बारी देख भी लेता हूँ, पता चला कि पानी में जाकर बॉम्ब फूट ही नहीं रहे। ओके भाई गाड़ी बॉम्ब इस तरीके से फूटेगी, गाड़ी अभी उड़ के बाहर ही आ जाती, बट ठीक है अब वो बहकर अपना यहाँ से पीछे चले जाएगी। फिलहाल हम लोग अपना भाग कर चलते हैं सीधा एयरपोर्ट में, क्योंकि जब मैं कायो पेरिको आइलैंड गया था तो मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी और उसको यहीं पर खड़ा करके छोड़ दिया था, और सामने कोई फ्लाइट खड़ी हुई है ठीक है, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। और अपनी ये गेट खुला है ना, ओके वाओ ये काफ़ी अच्छी बात है कि पीछे वाला गेट खुला हुआ है, एंड इस पार्किंग में मैंने नहीं छोड़ा था, बट अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर हमें एक गाड़ी मिल गई है। इस गाड़ी में बैठ कर चलते हैं सीधा अपनी लैम्बोर्गिनी और उसमें। बाकी यार देखो बार बार ही मुझे अपना यार लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड याद आ रहा है यार, खाली पीली बेचारा, वो इतना ज़्यादा भाई मतलब बहुत ज़्यादा ही अमीर है, वो भी इतना ज़्यादा उसके पास पैसा है, और हमने उसके पेमेंट भी पूरी नहीं करी थी। आप लोग को याद होगा जो शोरूम हमने उससे लिया था उसके आधे पैसे तो हमने उसे दे दिए थे, बट बाकी पेमेंट हमें करनी थी, बेचारे के वो पैसे भी हमने नहीं दिए। बट हाँ जो भी हो भी जैसा भी हुआ है ठीक हुआ है। फिलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी लैम्बोर्गिनी ओरस, फटाफट से गाइस इसके अंदर हम लोग बैठते हैं। और बिल्डिंग में गाइस अभी भी आग लगी हुई है, यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है सामने की तरफ में, और इस तरफ में दो बड़ी बड़ी कार किसी की खड़ी हुई है। ठीक है यार जो भी हो फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं और जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने नए वाले घर पर अपने डॉग से मिलने के लिए। और आज मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम आया, मतलब कि यार माइकल का जो शुरू से एक सपना रहा है ना वो भी समझ लो आज से पूरा होना है, स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल सॉरी आज मेरी गलती है, मुझे इस वाली साइड से बाहर ले जाना है। और कोई दिक्कत हुई क्या, फैलने तो नहीं आ रहा है मेरे से तू, तेरी ऐसी की तैसी हमेशा। आज इसने पुलिस वालों की ड्रेस देख ली ना इसलिए चुपचाप वापस चला गया सॉरी बोल के। ठीक है अभी फटाफट से भाई हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं, खाली पीली पंगे नहीं लेने यार किसी से, लेट्स गो। फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं अपने घर पे। ओके गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा अपने नए वाले मेंशन पे पहुंचने वाला हूं। और हाँ अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे माइकल पूरा करना चाहता है, और अगर ये ड्रीम पूरा हो जाता है ना तो माइकल की फैमिली भी हंसी खुशी वापस आ जाएगी माइकल के साथ ही रहने के लिए। तो हाँ मैं आप लोग को बता ही देता हूँ कि आखिरकार वो क्या ड्रीम है, और मैंने पहले भी एक दो बारी बताया हुआ है तो आप लोग को मालूम होगा कि माइकल यार शुरू से ही एक मूवी प्रोड्यूसर बनना चाहता है और एक अच्छा काम करना चाहता है, बट कभी भी सिचुएशन बनती ही नहीं है। और मेरे घर पे ये पता नहीं कौन आया हुआ है भाई साहब जी, ये घर बिक चुका है, अब यहाँ पर मद्राजो नहीं रहता है ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भाई सोच रहा है कि ये उसका घर है और मैं क्या करने आ गया हूँ यहाँ पे, रुक जाओ ये वैसे मेरे को थोड़ा ना गुंडा टाइप बंदा लग रहा है जब उसको एक हाथ पड़ गई तो ऐसे जाकर दिखा रहा है जैसे कुछ पता ही ना हो। फिलहाल हाँ अभी मुझे देख रहे हो भाई, मतलब यही सब सिचुएशन हो जाती है, मान लो कल कोई इंपॉर्टेंट बंदा हो मैं से मार दूँ फिर खाली पीली हमारी आगे चल के लड़ाई हो जाए। चलो कोई नहीं फिलहाल अपनी गाड़ी में यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ आराम से। और अभी ना गाइस मेरे को जाना है एक बहुत ही बड़े आदमी से मिलने के लिए, जो कि हमें बताएगा कि हमें अपनी मूवी कैसे प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हमें सब आता नहीं है तो वही हमें इस चीज़ को लेकर पूरा बताने वाला है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से चल के हम लोग अपने कपड़े वगैरह बदलते हैं, और हाँ मुझे थोड़ी बहुत बियर्ड एंड हेयर स्टाइल सेट करवाने की भी जरूरत है, जिसके लिए मुझे सैलून जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी हम लोग एक बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, और वो एक मूवी प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है जो भी है, बट हाँ बहुत ज्यादा बड़ा आदमी, और उसका नाम है सोलोमन रिचर्ड्स। तो फटाफट उससे मिलने चलते हैं, एंड कहीं तो टीवी चल रहा है और मुझे मेरा हस्की कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं मैं ऊपर वाले फ्लोर पे तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है टीवी तो ऊपर ही लगा हुआ है। एक बारी मैं अंदर चल के देखता हूँ, फिर टीवी थोड़ी देखेगा यार वो कहीं अपना ये ओके ही तो ये एक सेकेंड ये तो बंदा अपना साफ सफाई कर रहा है, हमारा जो गार्डनर है वो घर के अंदर की भी साफ सफाई कर रहा है, और इसको देखो भाई साहब बैठ के यहाँ पर ये एक टीवी शो देख रहा है, वाओ। चलो कोई नहीं बेचारा अभी इसको अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है शायद से, बट हाँ आज इसको हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे घुमाने के लिए। बट इसको ले जाने से पहले मैं अपने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ, एंड पहले चल के नहाते हैं भाई, पता नहीं कितने दिनों बाद हम लोग अपने घर वापस आ रहे हैं।
तो जल्दी से यहाँ पर पहले कपड़े बदलते हैं भाई साहब। कितनी सारी आउटफिट्स यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसमें से अपनी भी काफी सारी मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। जल्दी से कपड़े बदलते हैं फिर चलते हैं नीचे नहाने। ओके गाइस, तो एक अच्छे काम की शुरुआत से पहले थोड़ा बहुत नहा धो लेना चाहिए, तो इसीलिए फटाफट से हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक शावर लेने प्यारा सा। वैसे अपने घर में दो बाथरूम है, ऊपर वाला तो छोटा सा है, वैसे ऊपर वाले को बाथरूम नहीं कहेंगे, ये एक टाइप से सिर्फ उसे वॉशिंग एरिया है। बट हाँ, यहाँ पर अगर नहाना चाहे तो नहा सकते हैं। और इसने देखो भाई साहब, ये आराम से बैठकर बस अपना टीवी देखने में मस्त हो रखा है, अभी ये कार्टून देखने लग गया। चलो ठीक है यार, बेचारा अकेले रह रहा है यार, कुछ भी देख रहा है, मौज कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार एक बार ही देखो यार, अपने मेंशन से पूरा मेन यहाँ से रोड दिखता है, सामने पूरा गोल्फ कोर्स यहाँ से नजर आ रहा है, और इससे ज्यादा बढ़िया क्या व्यू चाहिए भाई, मतलब सब कुछ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है फिलहाल। हाँ जो भी हो, फटाफट से हम लोग चलते हैं बाथरूम में, यहाँ पर अपने पास शावर लेने का। बट बाथ में एक सेकंड, हेलो भाई यार, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ भाई, एक ये काफी ज्यादा अजीब हो गया था। हाँ आराम से स्विमिंग पूल में नहाते हैं, स्विमिंग पूल यार इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये वाला एरिया यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर ये थोड़ा गहरा है। बट एक सेकेंड, यहाँ पर पानी काफी ज्यादा गंदा है, मैं नहाने आया हूँ, गंदा होने नहीं, मैं वापस से जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में। तीन स्विमिंग पूल है घर में और मैं फिर भी बाथरूम में नहाने जा रहा था। वाह यार, इतना बड़ा मेंशन लेने का फायदा क्या। यहाँ पर ये देखो, एक छोटा सा स्विमिंग पूल ये भी है, अरे कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसमें पैर भी ढंग से नहीं डूब रहे। तो ओके भाई, मेरा आज का हो गया है, पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर दबा के धड़ाधड़ स्विमिंग करे जा रहे हैं फिलहाल। हाँ बहुत है, अभी फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। काफी ज्यादा अच्छा स्विमिंग पूल है, पुराने वाले घर से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वैसे पता नहीं किसने घर बनाया, इतने छोटे छोटे इतने स्विमिंग पूल बनाने का फायदा क्या था भाई, एक ही बना देते और बड़ा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग स्विमिंग पूल हो, बट हाँ ठीक है जो भी है। फिलहाल हाँ जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं एंड कपड़े बदल लेते हैं भाई जल्दी से, और चलते हैं सोलोमन रिचार्ड से मिलने के लिए, वो भी अपने डॉग को लेकर। यहाँ पर अपने पर्सनल रूम में भी कुछ कपड़े वगैरह शायद यहाँ पर नहीं यार, सारे के सारे अपने जो वार्डरोब पूरा यहीं पर है भाई, सारे कपड़े यहीं पर है, शूज वगैरह सब कुछ। ओके गाइस, फिलहाल यहाँ पर कोई ज्यादा खास कपड़े तो है नहीं, ये एक शर्ट टी शर्ट और कुछ शॉर्ट्स मिली है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मैं कोई बाहर फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ या फिर जॉगिंग करने जा रहा हूँ। नहीं यार, ये आउटफिट काफी ज्यादा घटिया लग रही है। एक काम करते हैं, अभी हमें सैलून तो जाना ही है, तो वहीं से कोट पैंट भी बाय कर लेंगे, क्योंकि यार देखो अपने जितने भी बढ़िया बढ़िया सूट्स है ना, वो सारे पुराने वाले घर में पड़े हैं, और अगर थोड़े नए कपड़े आ भी जाएंगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग एक मूवी प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, तो सीधी सी बात है हमारे पास बढ़िया बढ़िया कपड़े होने चाहिए। फिलहाल मेरा ओके, मुझे लग ही रहा था कि ऊपर टीवी बंद हो गया, और इसको देखो भाई, ये अपना यहाँ पर आकर बैठ चुका है। चल आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी हम लोग अपने साथ ही बुला लेते हैं, ये अपना गाड़ी में चल के हमारे साथ बैठेगा। आजा भाई, कौन सी गाड़ी लेकर चलें, एक काम करते हैं जितनी सुपर कार्स हैं उनको यहीं पर रहने देते हैं, अपनी जी वैगन उठाते हैं, यही काफ़ी ज़्यादा एपिक है। ओके आजा भाई साथ में बैठ, वो आ रहा भाई घूमता हुआ अपना फुल एकदम मस्ती में, काफी ज्यादा दिनों बाद ही हमारे साथ किसी राइड पे जाने वाला है। ओके गाइस, तो अपना प्यारा हस्की भी पीछे वाली सीट पे आके बैठ चुका है, और इस गाड़ी को मैं कितने टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, और मैंने पहली बार देखा इसका रूफ कितना ज्यादा बढ़िया है, पूरी इंटरस्टेलर वाली फील आ रही है फिलहाल। हाँ यार बातें बहुत ज्यादा हो गई, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं, और एक भी डेंट नहीं आना चाहिए भाई, एकदम आराम आराम से निकालेंगे। ग्रास भी पूरी खराब कर दिया भाई अपनी, एक तो यार मुझे गेट चेंज करवाना पड़ेगा, वरना जब भी मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा भाई इस गाड़ी पे इस तरीके का डेंट आएगा। फिलहाल हाँ जल्दी से हम लोग चलते हैं, सबसे पहले सैलून चलते हैं, उसके बाद एक बढ़िया सा सूट खरीदने चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे सोलोमन रिचार्ड से मिलने के लिए। भाई इतना ज्यादा बड़ा आदमी, उसका नाम एकदम बढ़िया तरीके से लेंगे। फिलहाल हाँ हस्की भी काफी ज्यादा खुश होगा कि हम लोग इसे साथ लेकर चल रहे हैं अपने, और जहां तक मुझे पता है सैलून की शॉप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे इस वाले नहीं आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को, नहीं मैं बिल्कुल सही मुड़ा भाई, मुझे रास्ते याद हो चुके हैं, मतलब पूरे रास्ते याद हो गया भाई लॉस सैंटोस के, मुझे अभी मैप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल हाँ हम लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इस सैलून शॉप का नाम है बॉब म्यूलेट। मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई, मतलब इससे पहले हम लोग किसी घटिया शॉप पे जाते थे। फिलहाल हम अपनी गाड़ी को, मेरे को पीछे पार्किंग नहीं है, छोड़ते ना भाड़ में जा, कौन लेके जा रहा है यार, ऐसे कैसे ले लेगा, आखिर बैनी ने लॉक लगाया गाड़ी में। फिलहाल हस्की अपना अंदर ही बैठा हुआ है, तो तू अंदर ही बैठे यार, क्योंकि अंदर क्या ही करेगा यार वो इस शॉप में आके, और भाई साहब काट देगा ना बढ़िया बाल, पता लगा भाई जोकर बना दे। ठीक है यार, देखते हैं किस टाइप का हेयर स्टाइल हमें करवाना चाहिए, काफी टाइम बाद हम लोग कुछ हेयर में करवाने जा रहे हैं, कुछ यूनिक करवाएं क्या जो हमने पहले कभी ना करवाया हो। भाई ये काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, ये एकदम अपने नॉर्मल हेयर्स हैं, ये देखो ये यहाँ पर एकदम छोटे हो जाएंगे उसी में, बट हाँ ये थोड़े बहुत अजीब लग रहे हैं, माइकल के कुछ कुछ बाल रेड भी हो रहे हैं, बाकी ये थोड़ी सी एकदम डिफरेंट लुक है,
बट इतनी ज्यादा चोट के कारण सर पर आप लोग देख पा रहे हो भाई कैसे कट कट आ रखे हैं। वैसे यार यही हेयर स्टाइल एकदम परफेक्ट है, बाकी ये वाले बाल तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ये टेम्पररी ये करवा दे क्या? एक मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये एकदम फ्री है तो ट्राई कर सकते हैं, बाद में अपने बाल वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के लुक अगर हम लोग ऐसे रख लें सोलो मैन से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ, बाद में हम लोग चेंज करवा लेंगे एंड बियर्ड को एकदम फुल बढ़ा लें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी यार लुक, मतलब सोलो मोन भी डर जाएगा भाई ये कौन आ गया सामने। और भाई साहब जी ने फटाफट से हमारी बियर्ड भी सेट कर दिया है, लुक पूरी डिफरेंट हो चुकी है, पहले बियर्ड जीरो थी और हेयर दबा के दे, बट अभी ऐसे लग रहा है हेयर को घुमा के नीचे लगा दिया है और बियर्ड वाला वर्ड ऊपर चला गया है। ये लुक थोड़ी ठीक तो लग रही है यार, एकदम यूनिक सी हो रही है, टेम्प्रेरी करवाते हैं, गंदी लगेगी तो चेंज कर लेंगे, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना ये लुक थोड़ी सी ना ऐसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल बंदा हो गया। तो थैंक यू सो मच ब्रो, मेरे को ठीक लग रहे हैं हेयर स्टाइल। अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं, मैं दुकान में घुस के तेरे को मारूंगा, क्योंकि तूने एकदम थोड़ी तारीफ भी कर दी इस बाल को काटने के बाद। बाकी यहाँ थैंक यू सो मच, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। यार आ तो रही है लुक, उतनी ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे, बट शायद आउटफिट की वजह से बुरे लग रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऐसे चश्मा वगैरह पहन यार, लेकिन पीछे से काफ़ी ज़्यादा अजीब से लग रहे। ओ सॉरी सॉरी, गाड़ी लोक है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ पीछे से काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, ठीक है यार, पता चला मेरा हस्की मुझे पहचानना ही बंद कर दे। भाई ये कौन आके बैठ गया गाड़ी में, अभी तो कोई और गया था और झटके से ये कौन आ गया। फिलहाल हाँ, जो मुझे कपड़े चाहिए मीन्स जो सूट्स चाहिए उसकी भी शॉप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्डिंग की आग लग रहा है मेरे को बुझ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर ही एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी और मैंने भी कॉल कर दिया था फायर डिपार्टमेंट में कि भाई जल्दी से यहाँ पर आओ। तो गाड़ी अलग ही मतलब चिल्लाई जा रही है, कोई इसके आसपास भी नहीं है, फिर भी लेट्स गो अंदर चलते हैं, एकदम वाइट सूट खरीदते हैं। ओके वाइट सूट इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है एंड कुछ इनके पास गॉगल्स मिल जाएंगे ना, बट ये वाला वाइट सूट सही लग रहा है, यही लेंगे भाई। यार ये ब्लैक वाला सूट तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट हाँ यार इसमें उतनी ज़्यादा खास लुक नहीं आ रही है, पर ये वाला जो वाइट सूट है ना भाई इसमें काफ़ी डिफरेंट लुक आ रही है। बट दिक्कत की बात यह है ये $5,500 का है और अपने पास इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ $5,000 ही है। तो एक मैम एक मिनट वेट करो, मैं ना भी आता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। एटीएम से पैसे, मजाक कर रहा हूँ भाई, अपने पास एटीएम में भी कुछ नहीं पड़ा क्योंकि बैंक तो पूरा ही खाली हो गया था ना। फिलहाल हाँ एक काम करता हूँ, मुझे ना कोई शॉप वगैरह लूटनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम लोग अपना मतलब इधर उधर का खर्चा तो निकाल पाए एटलीस्ट, क्योंकि अभी तो अपने डॉग को भी खाना खिलाने का पैसा नहीं बचा भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना बाहर की तरफ में चलता हूँ, शहर से थोड़ा बाहर चलते हैं, कोई शॉप से ना चुपचाप से एकदम फेस वेस ढक के पैसा निकलवा के लाते हैं जल्दी से। यार वैसे मैंने एक चीज़ तो सोची ही नहीं, मेरे पास इस टाइम सिर्फ और सिर्फ $5,000 हैं एंड मैं सोलोमोन के पास जा रहा हूँ एक मूवी प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिसको करवाने में बहुत ज़्यादा ही पैसा लग जाएगा भाई, $100 से $200 मिलियन। तो ये सब कैसे होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हाँ सोलोमोन अपना बहुत पुराना दोस्त है, वैसे दोस्त तो नहीं है वो, हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज में, बट हाँ मुझे लगता है वो हमें मना नहीं करेगा। सर फटाफट से पैसा बाहर करो जल्दी से, जितना भी है भैया निकाल के दे दो, और मैंने फेस मास्क नहीं लगाया, अब मुझे इसे मारना पड़ेगा। और इसकी दुकान पर CCTV वगैरह तो नहीं थे ना, चलो कोई नहीं, ये क्या ही बिगाड़ लेगा अपना। अरे जल्दी कर यार, इतना टाइम क्या लग रहा है, जल्दी 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 सारा पैसा भर और सीधा बाहर फेंक दे, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई इसकी दुकान में ढेर सारा पैसा था, आखिर वाइन शॉप है वो भी लॉस सैंटोस की। सॉरी ब्रो मैं मारना नहीं चाह रहा, चल तू आगे फंसाइयो मत, वरना है सारी बोतल फोड़ के जाऊंगा अगली टाइम, इसी टाइम फोड़ के जा रहा हूँ ताकि ये याद रखे कि वैसे नहीं एक बुलेट वो भागने की नहीं कोशिश करनी, आराम से मैं कुछ कह भी नहीं रहा था, चुपचाप हाथ कहाँ ला रहा है, गन है नहीं फिर भी एक्टिंग करके दिखा रहा है ऐसे गन हो। फिलहाल इसके पास से मुझे सिर्फ और सिर्फ $297। अबे बंद क्यों नहीं कर देता ये दुकान तू भाई, पता नहीं क्या कमा रहा है यार, रुक जाओ भी मेरे को एक और दुकान पे जाना पड़ेगा भाई, क्या ही घटिया बंदा था ये। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके एक दूसरी शॉप पे पहुंचने वाला हूँ और उम्मीद है मुझे इस वाली शॉप से मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि ये शॉप एक हाईवे पे है। तो फटाफट इस वाले कट से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं। ओ भाई ये कौन सी कार खड़ी हुई है यार, मतलब छोटी सी है, एकदम क्रोम पेंट हो रखा है भाई उसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा चमक रही है एकदम, बिल्कुल जैसे कोई मिरर हो। फिलहाल हाँ जल्दी से हम लोग चलते हैं शॉप में, गन अपनी बाहर निकाल लेते हैं, ये गन नहीं इससे बंदे डरते तो हैं बट कम, वैसे हाँ नहीं इतना डराना वराना नहीं, गन अंदर ही रखता हूँ, रुक जाओ। हेलो सर पहले देख लेते हैं कोई अंदर पुलिस वाला तो नहीं है, पता चला इससे कुछ खरीद लेते हैं पहले हम लोग, वैसे क्या ही खरीदूंगा सर प्लीज जल्दी से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है जल्दी जल्दी पैसा निकाल के ना बाहर फेंक दो, मैं इसे मारना नहीं चाहता हूँ, इसने कोई भी हरकत करी
फिर इसे मारना पड़ेगा भाई। ऐसा कौन सा कोड डाल रखा भाई, इतना टाइम लग रहा है पैसा नहीं। इस पे भी नहीं है भाई, सिक्के उठा उठा के डाल रहा है यार ये। जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फटाफट फटाफट फटाफट। ओके कितना है? ओके फाइव। थैंक यू सो मच। और अब आप भी निकल लो, क्या पता आपके पास से भी एक आध गड्डी मुझे मिल जाए। नहीं, इसकी जेब में कुछ नहीं था, सारा मुझे इसकी शॉप से मिल चुका है। नहीं, यहाँ पर सब इसका तोड़ के चलेंगे दुकान में। कंप्यूटर बंद है, सीसीटीवी क्या ही रिकॉर्ड करेगा। लेट्स गो, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर कोई पुलिस वुलिस आ गई ना, दिक्कत। क्योंकि भाई अभी देखो कुछ पता नहीं है मिलिट्री कर्नल हमारा साथ दे या फिर ना दे। क्योंकि अगर मिलिट्री कर्नल हमारा साथ दे रहा होता ना इस टाइम पे, तो बिग माफिया के भाई को लॉस सैंटोस से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अगर भागा है तो शायद कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा, और हो सकता है हमें भी आगे चल के कोई गड़बड़ हो जाए। भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी है, वो तो अच्छी बात है कि यहाँ की सिक्योरिटी पुलिस ने सब कुछ मिलकर हैंडल कर लिया। फिलहाल हाँ, जल्दी से पहुंचते हैं अभी सूट शॉप पे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग वापस से उस शॉप पे पहुंचने वाले हैं। बस मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। और हेलो भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पर? ऐसा इतनी सारी गाड़ियों का ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है भाई? इतने से गैप में जितनी मैक्स गाड़ियाँ पॉसिबल थी ना भाई, इन लोगों ने सारी लाके खड़ी कर दी है। बट हाँ, मुझे उस वाले कट से वैसे राइट लेना भी नहीं था, मुझे आगे वाले कट से राइट लेना था। बट हाँ यार, जो भी, हम लोग फाइनली उस शॉप पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से चल के अभी अपना वो व्हाइट वाला फेवरेट सूट खरीद लेते हैं भाई। मतलब भाई कितने पापड़ बेलने लग गए, पूरा मैं मेन हाईवे से होकर आया हूँ भाई। क्योंकि शहर के अंदर जो शॉप है ना, उन्हें लूटना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो मैं आ चुका हूँ पहले, ठीक है? ऐसे एक्टिंग करे से पहली बार आया हूँ मैं उसकी शॉप में। फटाफट से गाइस ये व्हाइट वाला सूट लेते हैं। एंड अभी अपने पास पैसे बिल्कुल नहीं है, $20 बचे हैं। एंड मैं बूट्स नहीं खरीद सकता, जो कि मुझे व्हाइट बूट भी चाहिए, बट ब्लैक भी सही लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। पर फिर भी जाते जाते ना एक बारी रेट पता कर लेते हैं भाई क्या है व्हाइट वाले शूज़ का, क्योंकि वो इसके ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा सही लगेंगे व्हाइट। ओके $790, नहीं इससे बढ़िया मैं नंगे पैर चले जाऊंगा, वो ज़्यादा सही है। फिलहाल निकलते हैं पहले हम लोग यहाँ से बाहर। और एक बारी आप लोग पूरी लुक, यहाँ से नहीं पूरी लुक अंदर जाके देखो भाई, ये देखो। वैसे गाइस एक बारी ना आप लोग यहाँ पे माइकल की पूरी लुक देख लो भाई, कैसी लग रही है। वैसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, एकदम गैंगस्टर वाली लुक तो आ गई है, और थोड़ा प्रोफेशनल लेवल गैंगस्टर, मीन्स गैंगस्टर्स का बॉस लग रहा हूँ, कोई फाइट करने वाला गैंगस्टर नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से गाइस अभी हम लोग चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस फिल्म सिटी, जहाँ पर रिचार्ड रहता है। नहीं, वो वहाँ पर रहता नहीं है, उसका ऑफिस वहीं पर है। और वो जो जगह है वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना। ओ ओ ओ ओ ओ, आराम से। ओ भाई सॉरी, इस बार पूरी मेरी गलती है। बट आपने एक चीज़ देखी भाई, गाड़ी मेरी ठुकरी, शीशे उनके टूट टूट के गिर रहे हैं। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इन्होंने पूरी गाड़ी मेरी ठोक डाली। ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस फिल्म सिटी में, जहाँ पर सारी की सारी मूवी प्रोड्यूस होती है। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है। अरे टैक्सी वाले भाई साहब के चक्कर में यू टर्न लेकर मुझे आना पड़ रहा है। तो वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना, जहाँ पर बिल्डिंग में अर्थ बना हुआ है टॉप पे, यही है गाइस वो जगह। और यहाँ पर भाई कितनी सारी अलग अलग मूवीज के पोस्टर लगे हुए हैं, और कुछ टाइम बाद हमारी भी एक मूवी का पोस्टर इसी वॉल पे लग जाएगा। फिलहाल हाँ, उससे पहले हम लोग चलते हैं सीधा सोलोमोन के पास। यार अभी बहुत कुछ है, हमें पैसों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, बट इस बार सही तरीके से, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, शोरूम वोरूम से पैसा बेच के जो भी आएगा वही ला के देंगे सोलोमोन को। भाई साहब हेलो, गेट खोलो भाई, इंपॉर्टेंट काम है मुझे अंदर। एक सेकेंड, ये सिक्योरिटी गार्ड निकल, गेट खोल भाई, गेट तो अंदर से ही खुल जाता है, बाहर क्या करने है? तू बेटे पिटेगा, रुक जा तेरी, मैं पहले ऐसी तैसी करूँ, क्या दिक्कत होगी तेरे को? है मैं सोलोमैन से मिलने आया, उसका बचपन का दोस्त हूँ तेरी, निकल यहाँ से। वैसे मैं हरकत करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये सोलोमैन सोलोमोन का गार्ड है, बट मुझे करनी पड़ी क्योंकि ये गेट नहीं खोल रहा था। फिलहाल हाँ, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पर अंदर खड़े तो हैं, ये देखो भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी इधर लगी हुई है। और ये भाई साहब जी एलियन का कॉस्ट्यूम पहन कर बैठे हुए हैं, शायद इनका भी कोई शो अंदर होना है। और यहाँ पर भी भाई भीड़ तो, ओ सॉरी भाई बच गया वो भी गिरता गंदी तरह। हाँ तो मुझे बस यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाना है, यहाँ पर उनका मेन ऑफिस है, पहले उनसे चल के बात करते हैं, यहाँ पर तो चलती रहेगा। और इधर सबके एकदम ड्रेसिंग वगैरह हो रही है प्रॉपरली, भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी इधर ही खड़ी करते हैं। वैसे मैं आप लोग को बताना भूल गया कि सोलोमोन हमारा बहुत पुराना दोस्त है। वैसे दोस्त तो नहीं है, वो हमसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज है, बट वो एक टाइप से हमने उसके लिए कई बारी पहले काम करा है, थोड़ा बहुत वसूली का, पैसे वैसे लेकर आने का, तो हमारी अच्छी खासी बातचीत है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो हमें मूवी के लिए मना तो नहीं करेगा, क्योंकि मना करेगा तो उसे मालूम है उसकी क्या हालत होने वाली है। चलते हैं अंदर। ओके गाइस, तो ये हम लोग आ चुके हैं सोलोमोन रिचार्ड्स के ऑफिस में।
या और काफी ज्यादा तगड़ा ऑफिस बना रखा भाई इसने अपना तो एक से एक तगड़े आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। फिलहाल अभी हमें इससे अपनी मूवी को लेकर यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर मूवी प्रोड्यूसर हम लोग कैसे बन सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। ओके तो ये बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं दोनों, बट हाँ हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। Does he want you to bump me off? Devin Weston इसका बेटा है क्या? देखने में तो ऐसा सही लगता है, बट नहीं, दोनों का सरनेम अलग है। Okay. They want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park. चारों तरफ अवार्ड ही अवार्ड रखे हुए हैं इसके पास। Well, maybe they have different dreams. Some days. ये अपने बेटे को लेकर बात कर रहा है कि वो शायद अलग इंडस्ट्री में चला गया क्या? Children or animals? Well, I want to add to that list. Okay. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. Oh, bhai. So what's it about? काफी तगड़ा ऑफिस है इसका। Perfect. Set in Liberty City. Oh. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. अच्छा यहीं पे शूट चल रहा है, Liberty City का बना रहे हैं, बट शूट यहीं हो रहा है ग्रीन स्क्रीन पे। Down into a really simplistic battle between two yuppies. Okay. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. Milton. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been okay. hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? ठीक है, अभी प्रॉब्लम है यहाँ पर बस एक। काफी जल्दी अपने एक रुको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आखिर सीन है क्या। ओके अभी हमें बस इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा, अभी अभी कर देंगे। ओके चलो भाई, सोलोमन भी कुछ हम भी कुछ। फिलहाल हाँ हमें पहले इसके लिए एक बढ़िया सा काम करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैंने अपनी गाड़ियाँ साइड में लगाई थी, उठा के इधर किसने कर दी? चल कोई बात नहीं, इसकी मुझे पता तेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। शायद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों की गाड़ी खड़ी होती है इसलिए। हाँ तो भी जल्दी से ना गाइस मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और आखिर सीन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक मूवी है मेल्टडाउन जो कि यहीं पर शूट हो रही है, लिबर्टी सिटी का शूट है। शायद कुछ कुछ काम के लिए लिबर्टी सिटी भी जाना पड़ेगा और वो मूवी ऑलरेडी शूट में चल रही है, तो यानी कि अगर वो मूवी हमें मिल जाएगी तो काफ़ी जल्दी रिलीज भी हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है उस मूवी पे किसी और बंदे का, ये देखो यही है वो जगह जहाँ पर वो मूवी शूट चल रही है। सोलोमन का फोन आ गया। I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, okay. It seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, हाँ, location तो दी नहीं थी। No, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well. If you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally in a more collaborative mood. ठीक है। हाँ, okay. You all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rap pit. काफी अच्छा सेट बना रखा है यार यहाँ पर। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई पुरानी सी जगह है। और ये कोई लिबर्टी सिटी की जगह है जो कि इन्होंने लॉस सैंटोस में बनाई है फॉर सेट, सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए। ओके ठीक है। ओके तो गाइस देखो अभी सीन क्या है ना कि यहाँ पर कोई बंदा है, मतलब कोई घटिया बंदा है, इसने सोचा था कि वो थोड़ा सस्ते में निपट जाएगा इसलिए इसने उस बंदे को बुला लिया कि तू इस मूवी का शूट कर दियो। अब उसने क्या है, अब हम लोग उससे शूट नहीं करवाना चाहते क्योंकि उसमें टैलेंट वैलेंट बिल्कुल है नहीं। तो ये कह रहा है कि तुम बस ना उस बंदे को जाकर मना कर दो कि ये शूट हम तुमसे नहीं करवाएंगे। पर सोलोमन इसलिए नहीं मना कर पा रहा क्योंकि शायद उसके पास थोड़े बहुत गुंडे वगैरह हैं जो कि सोलोमन को बाद में मार सकते हैं, इसीलिए हमें ना उन्हें तरीके से समझाना है। इसने बस इतना बोला कि तुम उन्हें जाके ना तरीके से समझा दो कि तुम्हारे को हम लोग ये शूट नहीं दे रहे। फिलहाल चलते हैं पहले उस जगह पे, पर गेट तो तुम खोलोगे नहीं, मुझे दोबारा से तोड़कर जाना पड़ेगा, अभी इन्होंने जोड़ दिया था। वैसे हाँ यार काफ़ी ज़्यादा देखने में तो लग रहा है कि हाँ जैसे बहुत तगड़ी कोई मूवी बनने वाली है। फिलहाल मुझे जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है, एक दूसरा एरिया है मतलब थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, शायद वहाँ पर वो डायरेक्टर नहीं है वैसे उसे, हाँ डायरेक्टर ही कहेंगे क्योंकि मेन जितना भी शूटिंग का काम है ना मूवी का वो सारा उसने अपने हाथ में ले लिया, उसको पैसे भी नहीं दिए, वो फ्री में काम करने आ रहा है। पर हाँ अगर वो शूट करेगा तो सीधी सी बात है मूवी खराब शूट हो जाएगी और खराब शूट होगी तो फिर मूवी चलेगी नहीं।
बट हाँ, अभी डेविन वेस्टन जो है ना, उसने इस मूवी में सारा पैसा लगाया हुआ है, तो हमें उससे भी बात करनी पड़ेगी। उसको शायद से मैं पैसा दे के ये मूवी अपनी करनी पड़ेगी यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं, डेविन से भी एक बार चलकर अभी बात कर लेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग चलते हैं रॉको के पास। रॉको शायद उसका बॉडी गार्ड है, हमें उसको निपटाना है और जो दो मेन बंदे हैं जो कैमरे का काम कर रहे हैं उनको रोकना है। ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा उस जगह पे जहाँ पे मुझे सोलोमोन ने आने के लिए बोला था, और अभी मुझे वो जो बंदा है यहीं पे मिलने वाला है। उसको मुझे कुछ भी करके मारना नहीं है, थोड़ा बहुत डरा धमका के लेकर आना है। वैसे कितनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी आकर खड़ी हुई है, बगल में फरारी जैसी है बिल्कुल अपनी। फिलहाल हाँ यार, अपना काम पे फोकस करते हैं पहले हम लोग, ये सब तो क्योंकि अपना चलता रहेगा। ओ हेलो, ये क्या हो गया था भाई गाड़ी को भी? ओके, तो ये देखो, ये हेलीकॉप्टर उन्हीं को लेने के लिए यहाँ पर आया है। छत पे शायद से वो खड़े हुए हैं। ओके, तो वो बंदा भी इनको वो हेलीकॉप्टर में बैठा के अंदर जा चुका है। एंड अभी मुझे रीच द हेलीपैड विदाउट अलर्टिंग रॉको। ओके, तो हमें उस हेलीपैड मतलब जहाँ पर हेलीकॉप्टर है वहाँ तक पहुँचना है। पर हाँ, रॉको को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि कोई दूसरा बाहर का बंदा यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल ये गेट तो मेरे को लग रहा है नहीं खुला होगा, टाप के चुपचाप से अंदर चलते हैं। सामने की तरफ में दो बॉडीगार्ड्स तो इसके खड़े हुए हैं। मैं अपने हाथ में ना कोई गन निकाल लेता हूँ, साइलेंट वेपन। ओके, ये अपनी ओजी है और इसके अंदर सप्रेसर भी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक बंदे को ना मैं पहले यहीं से चुपचाप से मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि ये सोलोमोन का काम है। ये काम हो गया तो वो मूवी हमारे नाम हो जाएगी। मतलब हम पूरी कहानी पता करने आए थे कि मूवी कैसे बनाए, और उस ओए ये भाग के जा रहा है। हेलो, एक सेकंड, इसने भी फ़ोन कर दिया। रुको को, रुक जा, कि यार काफ़ी ज़्यादा घटिया गन है उसी, मेरे को लग रहा था अच्छी होगी। रुक जाओ, इन दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ना बढ़िया सी ये निकाल लेता हूँ, गोल्फ क्लब। अब आओ बेटा, सीधा इसने फोन लगा दिया था रोको को। अब बोल फालतू, तू भी इधर आ, रोको को फोन करेगा जल्दी से, वो भी इतनी जल्दी तो पुलिस वालों को भी नहीं कॉल कर पाएगा जितनी जल्दी रोको को कॉल कर रहा है। लेट्स गो, फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से ऊपर। वो या तो मैं कुछ ज्यादा भारी हो गया हूँ या फिर वो हल्का था, बट हाँ जो भी हो, चुपचाप से मैं ऊपर आ चुका हूँ। सामने की तरफ में भी कोई बंदा बैठा हुआ है, इस तरफ में कबूतर है। पहले ना पीछे चल के मैं छुप जाता हूँ। तो गाइस देखो, इस बंदे को मारने के लिए ना मुझे एक बढ़िया सा मिली वेपन निकाल लेना चाहिए जिससे मैं एक ही बार में इसे ठोक डालूं। हाँ ये बढ़िया है। अभी चुपचाप से हम लोग आगे चलते हैं। हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो इधर? रख के मैंने इसके एक बजा दिया है। हाँ जी, चुपचाप से एक सेकेंड निकल यहाँ से, कहाँ जा रहा है पीछे को? भाई फोन मिलाने जा रहा है, मुझे अच्छे से मालूम है, बट ठीक है, मैंने भी इसके एकदम मस्त खोपड़ी तोड़ डाली है। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है उसके काफ़ी सारे वर्कर्स घूम रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से किसी ना किसी बंदे के काम करने की आवाज़ आ रही है। और भाई साहब ये चिड़िया भी आज मेरे से डर नहीं रही है। वैसे वो चिड़िया नहीं है, वो एक नॉर्मल पिजन है। हाँ तो हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। दो लेडर्स जा रही है, एक लेफ्ट। ऊपर कोई है। यहाँ पर दो बंदे अपना और निकल कर जा रहे हैं आगे को। फटाफट हम लोग यहाँ से इनके पीछे पीछे चलते हैं। मुझे ना एकदम टाइम आने पर ही इन्हें मारना पड़ेगा। ओके, उसने मुझे देख लिया है। एंड अभी मुझे उसे तो सबसे पहले एक सेकंड, तू निकल यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, इसको भी अभी फोन कर दिया उसने। भाई साहब उसने फोन कर दिया था, फटाफट से रोको को, और अभी भी वो शांत निकल यहाँ से। भाई उल्टा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है लेकिन फोन मिला रहा है, और अभी भी शायद वो मरा नहीं है। मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़े। ओके, ही बेचारा जा चुका है, बहुत ही गंदी तरह मरा है। वैसे तू एक और ले ले, पता चला मरने की एक्टिंग कर रहा और बाद में उठ के फोन, मतलब लेटी फोन ना मिला दे, इसलिए मैंने उसके यहाँ पर एक और बुलेट सिर पे बचा डाली है। एंड सामने की तरफ में कुछ लेडर्स जा रही है, मुझे वहाँ से चलना चाहिए आगे को, क्योंकि क्या पता यहाँ पर थोड़े बहुत और भी गुंडे हो सकते हैं। ये सारे उसके चमचे, इनसे डर नहीं लग रहा, बट हाँ यहाँ पर वो जो बंदा है ना उसके आगे हमें किसी को मारते हुए नहीं दिखाना, वरना गड़बड़ हो सकती है। हमें उसे नॉर्मली तरीके से ना डरा के लाना है, उसे ये नहीं दिखाना हमें गैंगस्टर है, क्योंकि आगे चल के वो बता सकता है, जब हमारी मूवी रिलीज होगी तो बता देगा इसने पहले बंदे बंदों को मारा हुआ, और गड़बड़ हो जाएगी फिर उससे। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है ना चुपचाप से सोच समझ के एकदम समझदारी से करना है, तभी हमें सोलोमैन ने इस तरीके से यहाँ पर भेजा है। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हम लोग हेलीकॉप्टर तक पहुँच चुके हैं, और सामने एक बंदा आया था, शायद उसने मुझे देख लिया है। मुझे बेटा, ओ तेरी ऐसे की तैसे तुरंत फोन मिला रहे भाई। हेलो, एक मिनट रुक जा, अंदर ही आके मारूंगा उसको। गेट खोल, अबे गेट अंदर से लॉक कर लिया। रुक जाओ, शायद उसने नहीं, मेरे को पहले ऊपर चलना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। वैसे मैंने उसके हेडशॉट मारा था, वो फ़ोन करने वाली हालत में तो नहीं होगा। एंड हम लोग उन दोनों बंदों तक पहुंच चुके हैं जो उस मूवी की शूटिंग का काम कर रहे हैं। इन्हीं दोनों बंदों को हमें प्यार से समझाना है। अपने वेपन्स में अंदर रख लेता हूँ, रबी चुपचाप से पास चलते हैं इनके। यही है वो दोनों बंदे, सेट पे इन्हें लेके जाना जहाँ मूवी शूट हो रही है। और रोको बाहर आ गया भाई। So they'll be going back to the set with me. Yeah. Can you believe this fucking clown?
वो दिस गाइस ऑल माइन। अच्छा बेटा आजा, ये कह रहा है मैं लड़ूंगा इस बेटे रो को, बहुत ही गंदा मारूंगा तेरे को, तो आजा एक छू के दिखा दे, मान जाऊंगा तेरे को एक छू। वो चश्मा कैसे उतारा इसने, एक मिनट रुक जाओ, अब मार तू, तेरे दो पड़ेंगे रख रख के, दोबारा मार, जैसे ये मारेगा ना वैसे ही कवर लूंगा मेरे को ये, एक और फिर पड़े इसके, रुक जा ये ले, अब बोल फालतू, और एक मिनट रुक जा, अब बोल फालतू, अब कोई है विचार तुम्हारे, अब तुम्हारे पड़ेंगे घूसे मुंह पे रख रख के, इसको मालूम है मेरे पास गन है ये, इन्होंने अच्छा बॉडी गार्ड पाला हुआ, वो हेलीकॉप्टर से ओके बिच गया बेचारा, कुछ ज्यादा ज्यादा ही बिच गया ये भी डर रहे है। You leave my people alone and I don't toss you off this roof. निकल ले बेटा, एक और लात पड़ेगी फिर ना। sure, man, sure. पैंट वेंट तो धुलवा लेता, कैसे कपड़े पहने हुए इसने, मेरा कोट पैंट अलग गंदा कर दिया यार। चलो कोई नहीं, उस पर ब्लड लग चुका है, इसको देखेंगे फिलहाल। हाँ जल्दी से हम लोग बैठते हैं इस हेलीकॉप्टर में और अभी चलते हैं सोलोमन रिचार्ड्स के पास जल्दी से। चलो भाई काफी काफी ज्यादा बढ़िया हेलीकॉप्टर है। ओके ओके तो गाइस अभी ना मैंने इन दोनों लोग को बोल दिया कि मैं सोलोमन का असिस्टेंट हूँ और अगर तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लोगे तो तुम दोनों को मैं इस हेलीकॉप्टर से ही मार डालूंगा ऐसे चला के। और इन लोग की भी हालत खराब हो रही है भाई, ये कैसा बंदा है, बिल्कुल अपनी भी जान की से परवाह नहीं है। रुक जाओ अभी तो ये कुछ भी नहीं था, अब हम लोग इसको हेलीकॉप्टर को ना वो ऐसा निकालेंगे जैसे इनको लगे कि हम लोग अपनी मौत से छू कर वापस आए हैं। ओ भाई 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 ये कुछ ज़्यादा रिस्क हो रहा है, मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पर भाई, ये बहुत डेंजरस तरीके से चल रहा है। अब बोलो भाई, इनके हमें मेनली विचार बदलने हैं, ये जो शूटिंग करने जा रहे हैं ना हमारी मूवी की वो मैंने नहीं करने देनी। ये ब्रिज से निकालते हो भाई, पानी से छुआ के अपना हेलीकॉप्टर हम लोग आगे ले जाएंगे, बस मुझे थोड़ा बहुत अपनी भी जान की परवाह करनी चाहिए यार, वरना एक भी इसका मतलब, एक मिनट पहले फोकस कर लेते हैं इस पर। हेलो विचार बदले तुम लोगों के भाई ओके अभी वो बोल रहे हैं कि भाई अब ऐसा मत करो बिल्कुल भी, उसको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और ये रुक जाओ, अभी हेलीकॉप्टर को ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं ताकि भाई सही में एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके गाइस लेट्स गो, हम लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुके हैं सीधा सोलोमन की फिल्म सिटी में। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई कितना ज़्यादा बड़ा एरिया है, और यही है वो जगह जहां पर पूरा सेट है लिबर्टी सिटी का, इधर ही अपनी शायद मूवी का भी शूट चल रहा है, कुछ कुछ पार्ट इधर शूट हो रहे हैं और कुछ कुछ पार्ट के लिए लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। हम भी चले, मतलब हम ही जाएंगे साथ में, आखिर हम प्रोड्यूसर है भाई, बाकी डायरेक्टर वगैरह तो चलेंगे, बट मेन अपना काम इस मूवी में पैसा लगाना है तभी ये मूवी हमारी होगी। तो ओ भाई आराम से इस हेलीकॉप्टर को फाइनली, सॉरी रुक जाओ मैं अच्छा हेलीकॉप्टर चलाता हूँ, आज पता नहीं कैसे गलती हो गई, बट हाँ ठीक है ये दोनों को कुछ नहीं होगा, आराम से अपने हेलीकॉप्टर को हम लोग यहाँ पर लैंड करवा देते हैं इसी के साथ, लेट्स गो। चलो भाई दोनों बाहर आ जाओ फटाफट से और मेरे साथ चलना, वैसे मुझे गन निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इनको पता चल गया है। वैसे हाँ गई सभी, हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा क्योंकि अपनी गाड़ी तो वहीं पर रह गई है, वैसे गाड़ी छोड़ो अपना हस्की भी उसी में है, तो फटाफट से हम लोग पहले वहाँ पर चलते हैं। एंड बेचारे वो दोनों लोग भी यार कितना ज़्यादा घबरा गए, उनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और सबसे पहले गाड़ी का जुगाड़ करते हैं, हस्की को भी लेना है, और अभी ना लगे आते हम लोग डेविन वेस्टन से भी मिलने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये मैं मूवी प्रोड्यूसर तो बना देगा बट अपने पास उसके लिए पैसा नहीं है, उस मूवी में सारा पैसा डेविन वेस्टन ने लगाया है, तो हमें डेविन वेस्टन से बात करनी पड़ेगी कि कितने पैसे में वो हमें अपनी मूवी देगा, मतलब कितना पैसा उसने उस मूवी में लगाया, उतना ही पैसा हमें उसे देना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले उसके पास चलते हैं, बट उससे पहले अपनी हस्की के पास चलेंगे। एंड सॉरी ब्रो, बाहर आ जाओ फटाफट से, और एक लात भी खा लो यार, ताकि मेरे को देखो ना बस तुम, अभी उठ के मेरी शक्ल ओ देख ली, रुक जाओ मैं, हेलो भाई ये थोड़ा गुस्से में आ गया। तो हाँ गाइस लेट्स गो, फटाफट से हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं अपनी हस्की के पास। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेके सीधा उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर अभी हम लोग रोको को कूट के गए हैं और जहां मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। ओके तो अभी वो सही सलामत यहीं पर खड़ी हुई है, लेट्स गो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर अपनी गाड़ी सही सलामत बच जाएगी, देख रहे हो ट्रक वाले को कैसे एकदम पूरी चिपका के निकाल रहा है भाई, हल्के से ठुक गई ना बेटा, ट्रक से बाहर निकाल के मारूंगा, इतनी ज़्यादा जगह पड़ी है, बट इसको यहीं से जाना है फिलहाल। हाँ जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, एंड अभी मुझे जाना पड़ेगा डेविन वेस्टन के घर पर। वैसा सही बताऊं तो गाइस उससे अपनी उतनी बनती नहीं है, एक दो बारी पहले हमने उसके लिए भी काम करा है, बट उसके घर से दो से चार बारी हमने चोरियां भी करी हुई है, वैसे वो हमें अच्छे से तो जानता नहीं है, बट हाँ हम लोग उसे अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जल्दी से हम लोग उसके पास चलते हैं, बहुत बड़ा मैंशन है उसका वाइनवुड हिल्स पे, चल कर उससे बात करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार क्या प्लान है, वो हमें अपनी मूवी देता है या वैसे वो मूवी तो बहुत प्यार से दे देगा क्योंकि वो एक टाइप से इन्वेस्टर है, वो मूवी प्रोड्यूसर बनने के लिए वो हमें पैसा नहीं लगाता,
उससे और पैसा कमाने के लिए मूवी में पैसा लगाता है, तो वो एक टाइप से इन्वेस्टर है, हमें उससे बात करके उसकी मूवी खरीदनी है। ओके गाइस लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा डैव इन्वेस्टर के घर पे पहुंचने वाला हूं, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा अच्छे खासे जी वैगन लेके निकला था, ये गाड़ी कैसे बदल गई। तो हाँ, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं अपने हस्की को छोड़ने घर गया था, तभी मुझे याद आया कि हम लोग अपने एक बहुत पुराने दुश्मन से मिलने जा रहे हैं, किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे, इसलिए अपनी ये जो इतनी ज़्यादा महंगी कार है ना, इसको संभाल के खड़ी कर देते हैं। अभी अपने पास देखो, अगर पैसे की बात देखी जाने तो दो दो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है और बाकी कार्स है, और कैश अपने पास बिल्कुल भी नहीं बचा, तो इसीलिए यार थोड़ा बहुत पैसा बचाना जरूरी है। तो मेरे को लगा कि यार वहाँ चल के कोई ना गड़बड़ वगैरह ना हो जाए, तो ये गाड़ी यहीं पर अपना सेफली खड़े करके चलते हैं, और हस्की को भी मैंने वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर अपनी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि अगर इसके बॉडीगार्ड्स ने मैं पहचान लिया तो ये लोग उससे बता देंगे कि यही है जो पहले गाड़ी चुरा के गया था। वैसे लुक पूरी चेंज हो चुकी है, और हेलो What's up bro, गाड़ी खोलो, मैं मिलने आया हूँ, मैं मूवी प्रोड्यूसर बनने जा रहा हूँ, एक मिनट पहले से बात करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इसके बाउंसर से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी बाहर छोड़ दो और अंदर चले जाओ डैव इन्वेस्टर सर से मिलने के लिए। और हम लोग काफ़ी सही टाइम पर आ गए, क्योंकि ये कह रहा है कि बस एक घंटे बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। भाई ये ऑफिस भी चाहता है, मुझे पता नहीं था, मतलब यार ये सच्ची में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, पैसा तो इस पे बहुत ज़्यादा होगा। फिलहाल हाँ, जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पर सारे बाउंसर इसके भाई चारों तरफ इन्होंने लगा रखे हैं, इसने कहा था कि पीछे वो गार्डन में जॉग कर रहा है अपना, फुल एकदम जॉगिंग वगैरह में मस्त हो रखा है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, अपने पास टाइम है नहीं। तो लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर आए थे भाई, इसके घर से क्या ही चुरा कर ले गए थे भाई गाड़ियाँ, कौन कौन सी कार थी मेरे को तो ये भी नहीं याद, इतना याद है रेंज रोवर तो थी और एक कोई अच्छी कार थी जो हमने यहाँ से चुराई थी। बट हाँ, लुक पूरी चेंज हो रखी है, ये लोग पहचाने ना पहचाने, बट डैविन वेस्टन तो भाई मेरे को लगता है मुझे आराम से पहचान लेगा, क्योंकि वो हमें सच्ची में बहुत पहले से ही जानता है और उसके लिए हमने काफ़ी काम भी करा है पहले। लेट्स गो, फटाफट से हम लोग चलते हैं नीचे। और भाई साहब हो रहा वहाँ पर अपना ट्रेडमिल पर रन कर रहा है, चलकर उससे बात करते हैं, एंड साथ में उसकी असिस्टेंट मौली भी है, पूछते हैं भाई आखिरकार मूवी का क्या सीन है। ओके तो ओके गाइस, अभी मेरी फिलहाल डैविन वेस्टन से बात हो चुकी है और इसने हमें पहचान लिया, और ऐसे ये भी मालूम है कि इसकी गाड़ियाँ हमने चुराई थी, और ये कह रहा है कि अगर अभी तुम्हें मेरी मूवी चाहिए तो तुम्हें मेरे को $300 मिलियन देने होंगे, जबकि इसने खुद उस मूवी पे $200 मिलियन लगाए हैं, और उसने जो हमें दूसरा ऑप्शन दिया है वो इसने हमारे काम को देख के ही दिया है। बट इसको मालूम नहीं है कि अब हम लोग चोरियाँ करना छोड़ चुके हैं। ये कह रहा है कि तुम बस मेरे लिए एक काम करो, जो मिस्टर मद्राजो का बेटा है उसके घर से तुम मुझे 5 गाड़ियाँ चुरा के ला के दे दो, जो उसके घर में इस टाइम पर खड़ी हुई है। उसने कोई बाहर से अभी एक दो दिन पहले गाड़ियाँ इंपोर्ट करवाई है, और इससे वो देख ही नहीं चाह रही, और इसको मालूम है ये सब काम हम लोग बहुत करते हैं, बट अभी यार हमने ये सब काम छोड़ दिया है, और अपने पास लेकिन अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इसको तो ये भी नहीं मालूम कि मिस्टर मद्रासो का बेटा हमारा दोस्त बन चुका है, उसके लिए भी हम लोग एक बारी कायोपैरी को गए थे। अभी मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। इसको मैंने बोल दिया ठीक है मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ, वरना वो काम करना होगा तो मैं बताता हूँ। वैसे मैं इसको बोल देता हूँ यार, अभी ना वही करना पड़ेगा मिस्टर मद्रासो की, वो 5 जो गाड़ियाँ हैं जो उसने दूसरी कंट्री से मंगवाई है वो गाड़ियाँ मुझे उसे लाकर देनी है। और फिर ये कह रहा है वो मूवी तुम आराम से तुम्हारे नाम हो जाएगी, मतलब जो पैसा उसने लगाया हमें कुछ नहीं करना, बस वो मूवी हमारे नाम हो जाएगी और सारा काम सोलोमन उसकी टीम सब कुछ कर देगी, बट हाँ मूवी हमारी होगी, तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस ये छोटा सा काम करना है। काम करता हूँ जल्दी से ना गाइज, हम लोग ट्रैवर को कॉल लगाते हैं। यार मैंने सोचा था कि आज से हम लोग एक मूवी प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, जितने भी घटिया काम है इन सब कुछ छोड़ देंगे, बट घुमा फिरा के यार वही करना पड़ रहा है। वैसे मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं चाहूँ तो वो जो घर मुझे मद्रासो ने दिया था ना वो भी बेच सकता हूँ। मतलब घुमा फिरा के मद्रासो का बेटा ही फंस रहा है, वो जो घर उसने दिया था वो भी $250 मिलियन का तो बिल्कुल नहीं बिकने वाला, इतना भी महंगा नहीं होगा। बट हाँ मेरे को यार उसे अब धोखा देना पड़ेगा, मिस्टर मद्रासो के बेटे को भी, लिबर्टी वाले फ्रेंड को भी मतलब मैं मरवा दिया। अब एक और दोस्त है उसकी भी 5 गाड़ियाँ चुरानी पड़ेगी, बट हाँ अच्छे काम की शुरुआत एक बुरे काम से हो रही है, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं पहले ट्रैवर के पास, उसको कॉल करके मैं बोलता हूँ कि फट मुझे चोरी अभी ही कर लेनी चाहिए, मेरे से सब्र नहीं हो रहा कि मैं रात का इंतज़ार करूं। अभी ही फटाफट से ट्रैवर को कॉल करते हैं और पहुंचते हैं सीधा मद्रासो के घर पे। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूं सीधा मिनी मद्रासो मींस मिस्टर मद्रासो के बेटे के घर पे, जिसने हमें नया वाला वो घर गिफ्ट करा था, और आज हम लोग इसी के घर पे इसकी 5 गाड़ियां चुराने के लिए आ चुके हैं ताकि अपनी एक मूवी बन जाए। फिलहाल यहाँ पर भाई दो दो बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं इसके। मैं ना एक काम करता हूँ, पहले ना अपनी गाड़ी में साइड में लेके चलता हूँ और ऊपर से ही ना देख भाई भाई नहीं नहीं यार इधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है,
अगर मैं कोई हरकत करूंगा ना तो इनको मेरे ऊपर पहले शक हो जाएगा। वो ट्रेवर और लमार भी अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। वैसे गाइस अभी मुझे याद आया, घर में एंटर करने का ना एक रास्ता नीचे से भी है, वहां पर हम लोग चलकर देखते हैं। क्या पता वहां पर कोई बॉडीगार्ड ना हो, अगर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमें ना यहाँ से एकदम चुपचाप से सारी गाड़ियां चुरा लेनी है। अगर सीधी सी बात है बॉडीगार्ड्स को पता चलता है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल सामने एक गाड़ी, ओके तो वो देखो भाई लमार तो यहाँ पर पहुंच चुका है, बट ट्रेवर अभी, ओके लो गाइस फाइनली ट्रेवर भी यहाँ पर पूरा ट्रक और ट्रेलर लेकर आ चुका है। भाई इसको मैंने बोल दिया था काफी सारी गाड़ी चुरानी है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच जा, और अभी भाई ये पूरा ट्रेलर लेकर आ चुका है। एंड लमार को हमने स्पेशली बुलाया क्योंकि भाई ये ड्राइविंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो गाड़ी में कोई भी सीन होता है फटाफट से सारी गाड़ियां भगा लेगा। एंड ड्राइवर को भी भाई जल्दी से बोल देते हैं कि अपनी गाड़ी में आके बैठ जाए। एंड फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर ना ऊपर चलते हैं। तो आ जा भाई ड्राइवर। ओ भाई साहब ये तो गोल्डन AK-47 लाया, वो भी एक्सटेंडेड मैगजीन लगा के, भाई कसम से उसमें सप्रेसर भी लगा हुआ है, वो चीज़ अगर आपने देखी हो तो। तो लमार को यहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, फाइटिंग में नहीं, तो ये काम हमारे हाथ ही रहेगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को ना ऊपर लेकर चलते हैं। यार कसम से बहुत ज़्यादा बड़ा घर है यार इसका, और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे हिसाब से होंगे। ओके तो पहले हम दोनों ना अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं, पीछे कवर लेते हैं। ओ भाई साहब वो देखो सामने की तरफ में जमीन में गाड़ी की नंबर प्लेट तक नोटिस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है। ओके गाइस तो अभी ना हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो देखो भाई सामने की तरफ में खड़ा हुआ है बॉडीगार्ड, और हमें ना चुपचाप से इन दोनों को टपकाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट वाले को मारता हूँ एंड ट्रेवर जो है लेफ्ट वाले को यहाँ पर डाउन कर देगा। 3-2-1 लेट्स गो। तो इसको तो मैंने एकदम मस्त डाउन कर दिया है, और ट्रेवर ने भी भाई रख के इसके एकदम बजा दिया, बहुत सही। और अभी हमें ना गाइस यहीं से घर के अंदर एंटर होना है, चुपचाप चलते हैं क्योंकि हो सकता है भाई ऊपर से कोई हमारे स्नाइपर ही बजा दे। एक तो मैंने मास्क लगाया नहीं, ऊपर से टकला सर है, खोपड़ी पे पड़ेगी ना भाई छेद ही हो जाएगा, एंड मुझे पता है क्या लग रहा है। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल इन लोगों ने ये वाला गैराज तो एकदम पूरा बंद कर रखा है, कस के लात मार रहा हूँ तब भी नहीं खुल रहा। एक बारी मैं ये वाला गेट खोल के देखता हूँ, क्या पता यहाँ से हम लोग अंदर चले जाएँ। इसके नहीं लात मारनी है गेट पे, नहीं यार ये गेट भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी गन मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये एक रास्ता जा रहा है शायद ऊपर जाने का, तो पहले ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ओके तो ट्रेवर फटाफट से आ जा भी मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है कभी भी। हम लोग यहाँ से भाई धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। मैं अपना एम पुराना एकदम मस्त रखूंगा ताकि अगर आगे कोई भी बंदा आता है तो हम लोग उसका सीधा मुंह तोड़ दें। बाकी ट्रेवर भी अपना एकदम चुपचाप से भाई धीरे धीरे एकदम ऊपर आ चुका है। भाई कितना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं हम, ये क्या लिफ्ट है क्या कोई, ऐसे बस चढ़ते ही जा रहे हैं। और भाई 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 एक मिनट, यहाँ पर ऊपर भी कुछ बंदे हैं, और अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार ही मैं देख लेता हूँ, ओके सामने कोई खड़ा हुआ है, उसको भी मेरे को मारना पड़ेगा वरना वो, ओ उसने मेरे को देख लिया, उसने मेरे को देख लिया, उसको टपका देगा, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। रुक जाओ इसको भी मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने शोर मचा दिया तो सबको मालूम पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। तो ट्रेवर भाई देख जितने भी यहाँ पर बंदे हैं ना उनको साइलेंटली मारना है हमें, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेट्स गो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राइट साइड में एक बंदा खड़ा है, एक नहीं दो दो बंदे खड़े हैं, हम इन दोनों को ना एक साथ मारना है। 3-2-1 लेट्स गो। अभी दोनों को एकदम हेड पे मारना है भाई डायरेक्टली, वरना शोर में मेरे को लग रहा है कि गाइस बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सबको मालूम पड़ चुका है यहाँ पर एक के बाद एक। अब तो भाई कवर ले लेके पूरा एकदम मस्त लड़ना पड़ेगा, सिचुएशन खराब हो चुकी है। भाई साहब हमें पहले नीचे को निकलना होगा, लेकिन अभी राइट अगर इस तरीके से बॉडीगार्ड्स आते रहेंगे तो गड़बड़ हो सकते। ओ सॉरी वो ट्रेवर था, बच गया वरना भी तो मैं, अच्छा इसने मुझे घर के अंदर से मारा है, तो भी हम लोग फटाफट ना घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अंदर और भी बंदे हैं, ओ भाई साहब देख ही नहीं पा रहा था ये बंदा मेरे को। लेट्स गो इसको मैंने यहाँ पे मार दिया है, एंड यहाँ पर मैं कवर ले लेता हूँ क्योंकि अंदर कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं, राइट में भी लेफ्ट में भी है। तो अपना ट्रेवर जो है राइट साइड के बंदे मार रहा है, मैं सामने के बंदे को जल्दी जल्दी डाउन करता हूँ। भाई मुझे पता नहीं था कि कमरों के अंदर भी इतनी ज़्यादा सिक, ओ एक सेकेंड पहले ट्रेवर के आने का वेट करता हूँ। पीछे की तरफ में बंदे, पीछे की तरफ में दोनों को एक ही बार में मारेंगे। 3-2-1 लेट्स गो। ये मारी मैंने बढ़िया वाली डाइव, एंड ट्रेवर और मैंने मिलकर दोनों को एकदम मस्त डाउन कर दिया है। रीलोड कर लेते हैं भाई, कितने सारे बंदे यहाँ पर छुप के, कोई मारा, कोई तो मारा है भाई पीछे से। अभी हमें आराम से ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे नीचे जाके वाला गैराज अनलॉक करना है क्योंकि उसके अंदर भाई ओके घर के बाहर से ये लोग मार रहे हैं। कवर लेना पड़ेगा सोफे का, ये रे दूसरे रूम में है, घर के बाहर नहीं है, दूसरे रूम में है अभी। ओ भाई क्या ही मारा है इस बंदे को मैंने, ट्रेवर ने भी एकदम मस्त डाउन कर दिया। घर के अंदर ही कम से कम 10-15 बंदे थे भाई, मैंने तो कम से कम मारे हैं काफी सारे, ट्रेवर ने भी कईयों को मारा है, बट हाँ ठीक है घर के अंदर के बंदे सारे मारे जा चुके हैं। अभी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या ये,
नहीं बुल ओके गया, मार दिया मैंने, ठीक है। तो एक बारी बाहर चल के दोबारा देख लेते हैं, नहीं वो जिंदा है, पूरा इसे खत्म करना होगा। लेट्स गो डाउन कर दे। ओ अंदर वाले रूम में एक बंदा और है भाई, वो मेरे बजा रहा है रख रख के। अंदर वाले रूम में जाके बंदों को हमें मारना पड़ेगा। ओके भाई उसने ट्रेवर के शॉर्ट गन दे दिया है, बट ट्रेवर ने उसको ऑलमोस्ट डाउन कर दिया। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाई मार के जाना होगा। लेट्स गो, इसको भी मैंने यहाँ से मार दिया है। अभी ना हम लोग पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं या फिर कहीं और पे, हाँ नहीं नहीं बाहर ही निकलना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है। ये एक मिनट यार, ये गेट भी इतना छोटा सा बना रखा है भाई, मद्रास घर में तो नहीं है ना, वैसे वो मुझे पहचान तो नहीं पाएगा, बट हाँ क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह चेंज हो रखा है, पूरी लुक चेंज हो रखी है, बट अगर उसने पहचान लिया ना तो गड़बड़ हो सकती है। भाई कितने ज़्यादा बंदे थे यार इधर, एक छोटी सी गलती के चक्कर में इतनी लड़ाई करनी पड़ गई। बट हाँ जो भी है, मामला अभी तक तो एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और शायद नीचे ट्रैवर की, ओ हेलो, ऊपर भी हूँ मैं। कितना गंदा मारा वो बेचारा, ट्रैवर को मारने आया था और ऊपर से मैंने उसे ढेर कर दिया। ओके गाइस, तो लगता है अंदर किसी की पार्टी चल रही है, फटाफट से ना हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर कोई है या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ पर ना घर के अंदर जाने के दो रास्ते हैं, मुझे ना यार सबसे पहले देखो वो नीचे वाले गैराज का जाकर गेट खोलना है ताकि लामार वहाँ से जो भी गाड़ियाँ हैं उसे निकाल के फटाफट से अपने ट्रेलर में लोड करे। तो फटाफट से ना गाइस मैं यहाँ से अपना एकदम मस्त ऊपर चलता हूँ यहाँ पर। ओके यहाँ पर लैडर्स बनी हुई है, मुझे लग रहा था स्टेयर्स होगी बट लैडर्स है। फटाफट हम लोग इसके थ्रू ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, बट ये ऊपर वाले फ्लोर का रास्ता नहीं है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ओके तो अभी ना मैं इस बिल्डिंग के स्नाइपर टावर में आ चुका हूँ, यहाँ पर इनका कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता होगा बट अभी आज है नहीं वो शायद से। तो मुझे ना गाइस चारों तरफ का ना एकदम बढ़िया तरीके से व्यू ले लेना होगा। और वो देखो भाई साहब ट्रैवर भी अपना ना उस साइड पर आके छुप चुका है ताकि वो इजीली बंदे मार दे। वैसे सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़िया, अभी हम लोग इनको टपका सकते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो, फटाफट से हम लोग इन्हें मारना शुरू करते हैं। एक को मैंने मार दिया, यहाँ पर एक गंजा एकदम मस्त भागता हुआ आ रहा है और ट्रैवर भी यहाँ पर इनके धड़ाधड़ AK-47 बजा रहा है। और यहाँ पर हमने 3 से 4 बंदों को मार दिया है। एक भाई साहब जी नीचे यहाँ पर और खड़े हैं, लेट्स गो, फटाफट हमने इसको भी मार दिया। मैं ना पहले ट्रैवर के पास चलता हूँ क्योंकि उसके पास ना, ओ नहीं 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 भाई बच गए, अभी सही है कि ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे वरना गड़बड़ हो जाती। तो हाँ अभी ना गाइस हम लोग ट्रैवर के पास चलते हैं क्योंकि वहाँ से ना मुझे अभी एक आगे जाने का काफ़ी सही रास्ता मिला है। पता नहीं यार ट्रैवर वहाँ पर गया कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, मेरे पीछे पीछे आ रहा था फिर वो झटके से। ओके तो ये है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, फटाफट से मैं भी यहाँ से ऊपर चलता हूँ, मुझे ये वाली छत पे चढ़ना होगा, लेट्स गो। भाई ये ट्रैवर अलग ही पार्कोर कर रहा है यहाँ पे। चलो भाई अभी धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, पहले ट्रैवर को नहीं, पहले मेरे को जाने दो। अभी ना हमें स्नाइपर निकालनी पड़ेगी क्योंकि सामने जो बंदे हैं उन्होंने हमें देख लिया है। एक को मैंने डाउन करा, दूसरे को भी डाउन करा है एंड ट्रैवर भी यहाँ पर। भाई शॉर्ट गन लॉन्ग रेंज नहीं चलती भाई, ट्रैवर शॉर्ट गन मार रहा है बट हाँ ठीक है उसने भी 2 से 3 बंदे डाउन कर दिए, बहुत सही। अपनी M4 ही निकालते हैं भाई। वो भाई नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं लेकिन अभी गड़बड़ हो चुके हैं, मुझे सबसे पहले तो कवर लेना पड़ेगा। ओके यहाँ पर गंजी टांट यहाँ से मार रहा है मेरे को, इसको मैंने डाउन कर दिया है। और एक भाई साहब जी वो रहे, इनको मालूम ही नहीं है मैं कहाँ पर छुप के बैठा हूँ, ढूंढ रहे हैं आराम से मेरे को। यार ये स्टिकी बॉम्ब है, मेरा मन तो नहीं यूज़ करने का क्योंकि घर में आग लग जाएगी और घर भी टूट सकता है, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए हम लोग कोई बॉम्ब वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल अपनी गन से ही मार मार के इनको डाउन करते हैं और मैक्सिमम जितने भी गार्ड्स थे ना मैंने सबको मार के डाउन कर दिया है। ट्रैवर को भी जल्दी से आगे बुला लेते हैं, बस ये नीचे ना गिर जाए। ओ भाई रुक जाओ, बच गया भाई, कल पकड़ ली इसने दीवार वरना भी सीधा नीचे ही जाने वाला था। एंड अभी हमने काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड मार दिए और ये देखो भाई अंदर गैराज में एक से एक कार खड़ी हुई है। बट वेट, सामने एक बंदा आया, बेटा पिस्टल से कुछ नहीं होने वाला। और भाई 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 ट्रैवर ने पूरी एक मैगजीन ही चला दी उस पर। और गाइस यही है वो 4 गाड़ियाँ, लेकिन उसने हमें 5 गाड़ियाँ बताई थी ना, शायद बाकी गाड़ियाँ नीचे वाले गैराज में होगी। तो फटाफट से ना हम लोग इन गाड़ियों को यहाँ से निकालते हैं। मैं टेस्ला ले लेता हूँ भाई स्पेशली, उसने भाई ये वाली कार भी हमें बोली है और 2 कार अलग अलग नीचे वाले गैराज में है। तो ट्रैवर भाई जल्दी से तू भी अपना एक गाड़ी में बैठ जाओ। ओ भाई पूरी एकदम साइलेंट इलेक्ट्रिक कार है, आराम से मैंने इसे बाहर निकाल दिया। रुक जाओ ट्रैवर को भी अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है, मैं ये वाली गाड़ी थोड़ी सी साइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे पक्का पूरी 100% उम्मीद है ट्रैवर गाड़ी ठोक डालेगा। तो यहाँ पर मैं इसे साइड खड़ी कर देता हूँ ताकि उसकी गाड़ी आराम से निकल जाए। अभी गाइस हम दोनों गाड़ियाँ लेकर चलते हैं भाई साथ साथ ट्रेलर में लोड करने के लिए। और आप लोग एक बारी ना इस गाड़ी का साउंड सुनो, साउंड सुनोगे क्या, कोई साउंड है ही नहीं इस गाड़ी में, पूरी साइलेंट कार है भाई कसम से यार, काफ़ी ज़्यादा तेज दिमाग का बंदा है डेविन भी। ओके ट्रैवर भी अपना आ रहा है पीछे पीछे आराम से अपनी गाड़ी को। हम लोग यहाँ से नहीं, ये महंगी कार है। ट्रैवर भाई मेरे पीछे ही आ बस, तू दूसरे रास्ते से लेकर चलेंगे, वो किसी और की ओडी थी इसलिए मैंने वहाँ से उतार दी, बट इन गाड़ियों में एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और भाई इलेक्ट्रिक कार कितना प्यारा साउंड निकाल रही है,
वैसे दोनों कार अच्छी होती है भाई, इलेक्ट्रिक कार की अलग बात है और वो दूसरी वाली कार्स की अलग बात है। तो ओके गाइस लेट्स गो। तो इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और वो देखो सामने लमार अपना ट्रेलर लेकर खड़ा हुआ है। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग लेकर चलते हैं इसमें लोड करवाने के लिए। पहले एक तरीके से ना मैं अपनी गाड़ी सही से लगा लेता हूँ। उस ड्राइवर को देखो भाई बिल्कुल भी सबर नहीं है और गाड़ी अंदर ले जाके खड़ी कर दिया है। मैं भी अपनी वाली गाड़ी अंदर ले जाता हूँ फिलहाल। ओ ओ ओ ये गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी है, ये ऊपर वाले फ्लोर। पहले यार गाड़ियाँ अपना लोड होती रहेगी, ये काम हम अपना लमार को देते हैं। और अभी ना जल्दी से हम लोग दोबारा इस घर के अंदर चलते हैं क्योंकि भाई हमें फटाफट से वो जो नीचे वाले गैराज में गाड़ियाँ हैं वो भी लगवानी पड़ेगी। फिलहाल मुझे लग रहा था वहाँ ऊपर कोई खड़ा हुआ है बट कोई भी नहीं है। वो ऊपर नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई तो खड़ा है। एक मिनट रुक जाओ, पहले हम लोग ना दीवार टाप के घर के अंदर चलते हैं। बेचारे के सीधा हेडशॉट मार के इसे भी मैंने डाउन कर दिया। निकल यहाँ से। तो मुझे ना उस वाले गैराज का गेट खोलना पड़ेगा। और ट्रैवर ट्रैवर शायद से अभी भी गाड़ी में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, अपनी ये वाली गाड़ी भी मुझे यहाँ से लेकर निकलनी है। वैसे गाइस लास्ट टाइम हम लोग इस जगह के अंदर नहीं गए थे, मैं डायरेक्टली ना किसी दूसरे रास्ते से आगे चला गया था। शायद यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बना रखा होगा। और ये देखो भाई ड्राइवर भी अपना एकदम मस्त आ चुका है ऊपर चलने के लिए। जल्दी से हम लोग भाई यहाँ पर एक गेट है अंदर जाने का, शायद हमें यहाँ से कहीं अंदर जाना है। ओके ड्राइवर अपना अंदर जा चुका है और अंदर कुछ गुंडे हैं क्या जो लड़ाई हो रही है। रुक जाओ मेरे को भी फटाफट। ओके ही भाई ट्रैवर अंदर आ चुका है, यहाँ तो ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है बट अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे से गार्ड, अच्छा ये था ट्रैवर ने इसे एकदम मस्त मार दिया है नीचे गाड़ियों के। ओ भाई साहब फाइनली हम लोग गैराज तक पहुँच गए हैं, एकदम अलग ही एरिया बना रखा है। एंड यहाँ पर भी काफ़ी मस्त मस्त दो कार खड़ी हुई हैं। तो जल्दी से मैं ट्रैवर को बोल देता हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ से उठाकर निकले और ये वाली जो गाड़ी है लामार ले जाएगा और मुझे अपनी बाकी गाड़ियों को भी यहाँ से लेकर निकलना होगा। तो ओके गाइस अभी फिलहाल ट्रैवर ने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है एंड अभी इसको ट्रक में लोड कराने के लिए ले जा चुका है। मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ। इस घर में यार और भी बॉडीगार्ड्स होंगे लेकिन हाँ मुझे उनसे भिड़ के ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना अंदर ले जाके मीन्स उस ट्रक में लोड करवा के डेविन वेस्टन को देकर आनी है। तो ओके गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, जो गाड़ियाँ ऊपर वाले गैराज में है ना फटाफट से उसको भी लेकर चलते हैं और ट्रेलर में लोड करवा कर यहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे ही गाड़ी हम सारी की सारी डेविन वेस्टन को देंगे तो समझ लो उस दिन से हम लोग बन जाएंगे एक मूवी प्रोड्यूसर। फिलहाल लमार भी यहाँ पर भाग कर आ चुका है भाई। फटाफट से अभी ये सारी गाड़ियाँ उठा। और एक सेकेंड, मेरे हिसाब से ना यहाँ पर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर भाई कॉप्स के स्टार्स आ गए। और अभी मुझे, मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों अपना गाड़ियाँ लोड कराने में फुल मस्त तो हो रखे हैं। लमार अपना गाड़ियाँ कर देगा, ट्रैवर भी साथ में ट्रक लेकर निकल लेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को लेकर ना यहाँ से कहीं और निकलता हूँ उनको भटकाने के लिए भाई, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो अपना काम खराब हो जाएगा। और मद्रासों को कॉल कर दी तो और भी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया एक ही ऑप्शन अपने पास, जो नीचे अपनी R8 खड़ी है ना उसको लेकर। ओ तेरी भाई, ऊपर से कुछ ज़्यादा ही मैं कूद गया। सही है, सर नहीं खुला वरना तो कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो जाता। हाँ तो ये खड़ी अपनी R8, फटाफट से इसमें हम लोग बैठते हैं, जल्दी से निकालते हैं भाई इस गाड़ी को पीछे की तरफ में। रुक जाओ गेट टूट जाएगा आराम से। लेट्स गो फटाफट से भाई, अभी जो ट्रेलर है सारी गाड़ियाँ लमार लोड करवा देगा और ट्रैवर अपना ट्रेलर एकदम मस्त चला कर ले आएगा। बट मुझे सबसे पहले पुलिस वालों को एकदम पुराना कहीं और ले जाना पड़ेगा। वो इस साइड आ गई ना तो गड़बड़ हो सकती है। अभी वो पहुंची नहीं है, आ रही थी बट सही है। ओ तेरी, नहीं 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 नहीं, वो देखो सामने क्या है, रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं कि भाई। लेकिन अगर ट्रैवर लाएगा गाड़ी तो ट्रैवर का ट्रक रोक के भी ये लोग चेक करेंगे। मुझे इनको पहले ना निपटाना पड़ेगा। रुक जाओ मेरे पास देसी कट्टा है इसको हम। अरे भाई साहब आप इतनी तगड़ी गाड़ी ले आर्मर वाली, एक ढंग की अजोल्ट राइफल ही मांग लेते हैं अपने LSPD वालों से। ओ ओ ओ मैं मजाक कर रहा हूँ, एक के बाद एक पुलिस वाले आए जा रहे हैं यहाँ पर। ओ नहीं नहीं नहीं, इस गाड़ी में भाई रुक जाओ, घेर लिया। हेलो एक मिनट साइड निकालता हूँ। हाँ तो मुझे यही करना है, इन लोग को लेकर ना यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा ताकि वो लोग अपनी सारी गाड़ियाँ आराम से लोड करवा लें। और अभी वरना बहुत गलत सीन हो जाएगा। ओ तेरी भाई, यहाँ भी खड़ा हुआ है, बीच रास्ते से हट जा जल्दी से। ओ भाई रुक जाओ, मैंने गाड़ी बहुत गंदी तरह ठोक दी है। इनको इस अड्डे से लेकर निकलना है ताकि इनको जिसने भी रिपोर्ट करा था ना, शायद उनके बॉडी गार्ड या फिर किसी बंदे ने करा है कि मद्रासों के घर से कोई गाड़ी चुरा रहा है। अब पुलिस वालों को लगेगा कि जिसने गाड़ी चुराई थी वो गाड़ी लेके यहाँ से भाग रहा है और पूरी पुलिस मेरे पीछे आ रही है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी चलती रही। रुक जाओ हेलीकॉप्टर वाले को तो मैं अभी गिराता हूँ। अपनी गाड़ी उसके लिए ना मुझे साइड लगानी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर वाला अब तू नहीं बचेगा बेटा, तूने मारने की कोशिश कैसे करी मेरे को। एक मिनट, ये निकाली मैंने स्नाइपर और ये पड़ी सीधा पायलट में, गया हेलीकॉप्टर एक ही बार में जो। ओ तेरी, यही तो फिल्म सिटी है जहाँ पर अपनी मूवी बननी है। हेलो रिच भाई, ये भी मना कर देगा, कहेगा तुम तो अपना ही नुकसान करवा रहे हो भाई, हम तुम्हारी मूवी बनवा रहे हैं तुम हेलीकॉप्टर कर। यार यहाँ से निकलते यार, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये दूर चलना पड़ेगा ताकि पुलिस वालों को लगे कि वो जो चोर है वो यहाँ से जा चुका है। तो ट्रैवर और लमार आराम से वो गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकल लें।
तो ओके गाइस, पुलिस वाले से पीछे छुड़वाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को वो पीछे वाली गली में ले जाके खड़ा कर दिया है और मैं तब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ ट्रेवर और लमार के आने का। फिलहाल मुझे उनका अभी अभी कॉल आया और वो लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पीछे भी पुलिस पड़ गई थी बट उन्होंने भी पीछा छुड़वा लिया है और एक लोकेशन भेजी, वो कह रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पे पहुंचो फिर फटाफट से ट्रक लेकर चलते हैं डेविन को डिलीवर करने के लिए। वैसे मैं उसके घर पर नहीं जाना, उसने एक लोकेशन दिया है हमें वहां पर जाना है, फटाफट पहुंचते हैं देखते हैं क्या सीन है। बाकी अपनी गाड़ी तो यहीं पर खड़ी हुई है, जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। भाई पुलिस वालों ने जो टक्करें मारी थी ना भाई, गाड़ी जैसे ज़्यादा कहीं से टूटी नहीं, पीछे थोड़े बहुत डेंट आ गए हैं। फिलहाल हाँ जो भी हो, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। अभी इधर भी मुझे ठोकनी पड़ेगी क्योंकि सॉरी हाँ ये वाला गेट पहले खुला तो हुआ था। लेट्स गो, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लमार शायद यहीं पर है। मेरे को कॉल तो लमार का आया है, पता नहीं ट्रैवर भी सेफ है या फिर नहीं है क्योंकि दोनों के पीछे पुलिस पड़ी थी और दोनों जो गाड़ियां लेके भागे हैं ना भाई वहां से पूछो मत। बट हाँ अभी हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें लमार ने मिलने के लिए बुलाया। हेलो लमार, है क्या तुम दोनों में से कोई? यार लमार ने बुलाया तो यहीं पर है बट मुझे लमार ओके। तो ये रहा लमार, भाई साहब पूरा चोड़ में रहता है ये बंदा एकदम अलग ही तरीके से। फिलहाल हाँ जल्दी से चलकर हम लोग इसकी गाड़ी में बैठते हैं। भाई साहब मस्त गाड़ियां चोरी करवाई है डेविन वेस्टन ने वहां से, अगर ये गाड़ी हम लोग अपने शोरूम में भी ले जाके बेचते भाई ये बेचने में टाइम लग जाता। बट हाँ अभी जल्दी से हम लोग लेकर चलते हैं। काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है और ये लमार ने क्या मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है? हमारी शॉप में मतलब कि हमारी डीलरशिप में काम करता है और हमसे ही एटीट्यूड में रह रहा है ये बंदा। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर ट्रैवर वो ट्रेलर लेकर जिसके अंदर सारी की सारी गाड़ियां लोड है वहां पर हमारा वेट कर रहा है। तो बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है और भाई साहब सारी गाड़ियां सही सलामत यहाँ पर पहुंच चुकी है और ट्रैवर भाई साहब जी को देखो कितनी मस्ती में यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ तो ये लास्ट कार थी, इसको भी हम लोग लेकर आ चुके हैं, प्यार से ट्रेलर के अंदर लोड भी करवा दिया। लेट्स गो, अभी ओके भाई साहब एक से एक गाड़ियां हैं हमारे पास एंड जल्दी से चलकर हम लोग ट्रक में बैठते हैं और फटाफट से ओके ट्रैवर ड्राइव करने वाला है, यानी कुछ खतरनाक ही होगा क्योंकि यार ट्रैवर की ड्राइविंग से ना मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा डर लगता है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बोल ही रहा था मुझे इसकी ड्राइविंग से डर लगता है और इसने शुरुआत कर दी सीधा, मतलब चलो कोई बात नहीं यार ट्रैवर से मुझे उम्मीदें हैं क्योंकि ट्रैवर जब भी साथ देता है ना काम कभी फेल नहीं होता भाई। हल्की फुल्की दिक्कत हो जाए, मुसीबतें बढ़ जाएं बट काम फेल नहीं होता। तो मुझे 100% उम्मीदें हैं कि ये गाड़ियां सही सलामत पहुंच जाएगी भाई अपने दोस्त डेविन वेस्टन तक। बट हाँ जल्दी से पहुंचे और ताकि वो जो मूवी है वो हमारे हाथों लगे और हम लोग एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाए और जब ये बात माइकल की फैमिली को मालूम पड़ेगी तो सीधी सी बात है भाई उसकी फैमिली भी ये बात सुन के वापस आ जाएगी। फिलहाल हाँ ये एक अच्छी बात है कि जब भी ट्रैवल ड्राइविंग करता है यानी कि किसी भी काम में हमारे साथ होता है तो उसमें भले ही मुसीबतें बढ़ जाती है बट वो काम 100% सक्सेसफुल जाता है, ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ट्रैवल ये रॉन्ग वे भाई, ये बहुत महान बंदा है, चलो कोई नहीं फिलहाल चलाने देते हैं। वैसे हाँ अगर ये काम हो जाता है तो गाइस सोलोमन हमें वो मूवी दे देगा, वैसे मूवी तो डेविन वेस्टन देगा बट मेनली तो सोलोमन ही है। तो हम लोग एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाएंगे और उससे भी अच्छी बात यह है कि माइकल की फैमिली को जब ये बात मालूम पड़ेगी कि माइकल ने वो सारे उल्टे सीधे काम छोड़कर अब वो एक मूवी प्रोड्यूसर बन चुका है तो सीधी सी बात है उसकी फैमिली भी वापस आ जाएगी रहने के लिए। और कितना घूमेंगे यार, अभी हम लोग लिबर्टी जाएंगे शूट के लिए और पता नहीं, वैसे हमारा कोई शूट नहीं होगा, हमें बस जाके देखना है कि काम कैसा चल रहा है, एक्टर हीरोइन सब कुछ कोई और है भाई। ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल ट्रैवल ट्रक और ट्रेलर सारी गाड़ियों को सही सलामत लेकर पहुंच चुका है सीधा हाईवे पर और मैं तो भैया देखो इस टाइम पे आराम से सो रहा हूँ साइड में और ये दोनों की भाई बातें ही नहीं बंद हो रही है। चलो कोई नहीं, इनकी बातें सुनते रहते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं भाई अपनी लोकेशन पर और शायद वहां पर डेविन वेस्टन भी हो सकता है ये सारी गाड़ियां चेक करने के लिए। वैसे गाइस अभी ना मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है बट लमार का भाई साहब मुंह ही नहीं बंद हो रहा है भाई ट्रैवर से सारी बातें पूछने में लगा हुआ, तुम क्या करते हो, कैसे बदमाश बने हो। फिलहाल लग रहा है भाई सब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग काफी ज्यादा दूर आ गए हैं बट पुलिस पता नहीं कैसे पीछे आ गए और अभी ना मुझे पीछे जो ग्रे कलर वाली गाड़ी खड़ी है ना वहां तक पहुंचना होगा क्योंकि ओ भाई साहब पुलिस वाले तो अपनी गाड़ी लेके बगल में ही आ गए हैं मुझे इस गाड़ी को। ओ भाई ये तो
ट्रक तो ज़्यादा ट्रक नहीं हिला रही, निकल यहाँ से। मुझे इसकी गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, मतलब ट्रैवर को इसकी गाड़ी को साइड करना पड़ेगा ताकि मैं इजीली आगे बढ़ पाऊँ। ये जो सबसे ऊपर वाली गाड़ी खड़ी है ना गाइस, इस गाड़ी में अच्छी खासी बुलेट्स लगी, मतलब कि इसके अंदर गन्स लगी हुई है, और इन्हीं गन्स से अभी हमें इन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ट्रक रोक कर इनको मारने लगेंगे ना तो भाई ये हाईवे है, बहुत जल्दी पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और पीछे मिलिट्री बेस पे है तो गड़बड़ जाएगी। तो ट्रक रोकना तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, और कोई ऐसी पतली गली भी नहीं है कि जहाँ पर हम लोग अपना ट्रक ले जाएं। फिलहाल हाँ, अभी हम लोग एकदम पीछे वाली गाड़ी तक पहुँच चुके हैं। बस ड्राइवर यार, तो इसी तरीके से एकदम मस्त गाड़ी चलाते रहिए। बस बस बस, हम लोग गाड़ी में पहुँच चुके। ओह, बैलेंस बिगड़ रहा है आराम से भाई, ये ड्राइवर अलग हरकत में रहता है। वैसे यार गलती इसकी भी नहीं है, पुलिस भी पीछे पड़ी है, ऊपर से हाईवे भी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल हाँ, स्पीड कम ही रखेगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। फिलहाल जल्दी से जल्दी 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 ओके, तो अभी मैं एकदम मस्त गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुका हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं इन पुलिस वालों के एकदम मस्त बैंड बजाने वाला हूँ। अपनी गाड़ी को मैंने नीचे उतार लिया है, अब बोलो तेरी ऐसी की तैसी। इसके अंदर ये देखो भाई, आगे गन्स लगी हुई है ना, अब इस पुलिस वाले को मुझे तुरंत डाउन करना है। निकल यहाँ से, साइड निकाल इस गाड़ी को, और इस गाड़ी की जो चारों टायर है ना उसके अंदर भी एक ब्लेड लगा हुआ है, यानी कि अगर किसी की गाड़ी के मैं ऐसे चिपका के निकल, ओ तेरी भाई, पुलिस वालों का। एक मिनट यार, ये अपने ट्रक को रोक देंगे। आ भाई स्वाद आ गया, क्या मारा है उसको। आगे वाले बंदे को मेरे को मारना पड़ेगा, इसकी गाड़ी को रुको, तेरी शीशे तोड़ दूंगा भाई सारे। वो ये लोग मेरे को भी, एक मिनट रुक जाओ, इसकी गाड़ी साइड निकाल, ये ऐसे की तैसे इसको भाई साहब कुछ ज्यादा। ओ सॉरी यार, मैंने एक डियर को मार दिया भाई, पर वो बीच रोड में आ रहा था। और उस टाइम भाई पुलिस वाले बहुत ज्यादा आ चुके हैं। रुक जाओ, इसकी गाड़ी पंचर करता हूँ ब्लेड मार के। अभी ये एक निकल, तेरी ऐसे एक बुलेट और पड़ गई ना, इसका खेल खत्म हो जाएगा। ट्रक 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 निकालते रहे ड्राइवर। ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग कर रहा है, अगर लम्हा होता ना अभी तक तो भाई ट्रक छोड़ के भाग जाता। फिलहाल इसको मैंने मार दिया है, और क्या ही गिरा है बंदा गाड़ी से निकल के। आगे वाले को भी मारा, ये भी गया, बट एक पुलिस वाला और आ गया भाई, बहुत गंदी इनके पड़ चुकी है। और मुझे भाई बहुत ज़्यादा पुलिस नहीं आ गई, सही हमने अपना ट्रक रोका नहीं, वरना तो ये सारी गाड़ियाँ ही फोड़ डालते। मद्रासों की स्पेशल पुलिस तो नहीं है भाई, उसके एक पुल में इतने ज़्यादा बंदे कहाँ से आ गए। फिलहाल हाँ, जो भी है, हम लोग अपना वहाँ से थोड़ा बहुत तो निकल चुके हैं। इनकी गाड़ियाँ भाई कम से कम 7 से 8 पुलिस वालों की गाड़ियाँ आ गई, बट हाँ हमने अपने ट्रक को जो है सेफ कर लिया है। अब इसके साथ ही मैं चलते रहूँगा, क्योंकि हो सकता है और भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाए। बाकी थोड़ा बहुत ऐसे फोकस, अपनी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दूँ क्या मैं थोड़ा सा। ओके, अभी मॉली को कॉल कर दिया है, जो उसकी असिस्टेंट है डेविन की, इससे बात करते हैं, ये हमें बताएगी कि आखिरकार हमें कहां पर आना है। और लॉस्ट गैंग के बंदे जा रहे हैं भाई बगल से एकदम मस्त। ओके, ट्रक मेरे को ट्रक स्टेशन पे जाना है, और वो मेरे हिसाब से ज्यादा दूर नहीं है, वो तो पास में ही है ना। ओके ओके गाइस, तो इसने हमें यहां पर ट्रक स्टॉप पे बुलाया, और वो मुझे मालूम है कहां पर है। उस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को, बस बस बस, शायद वो जो सामने गाड़ी खड़ी है वो उसी की है। और भाई साहब अभी तो लेने के देने पड़ जाते, मुझे लग रहा था सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे और एकदम ही गलत सीन हो गया। फिलहाल हाँ, ये खड़ी मोली, फटाफट हम लोग अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं। ओके लामार, चुप हो जा बस 2 मिनट के लिए, मैं इससे बात कर लेता हूँ अभी। ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात तो हो चुकी है, बट भाई ये कह रही है कि डेविन वेस्टन तुमसे बाद में मिलेंगे, काम पूरा करवा लिया मिलेगा बाद में। भाई ये बहुत गलत सीन है यार। तो फिलहाल ट्रैवर और लमार भी अपना ट्रक लेकर इसके साथ ही जाने वाले हैं इसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं वो एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री में जाएगी। तो गाइस देखो, बेसिकली मॉली ये कह के गई है कि डेविन पहले सारी गाड़ियां चेक करेगा जो भी हमने उससे ला कर दी है, उसके बाद वो जो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे नाम कर देगा। और गाइस अब हमारा जो सपना है वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम एक मूवी प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, और साथ ही इतनी बड़ी बड़ी डीलरशिप तो है ही अपनी, और 2 बड़े बड़े घर भी हैं। अब हाँ यार, जो दूसरी वाली डीलरशिप है ना उसको भी अभी कंप्लीट करवाना है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा और लगना है। फिलहाल सामने से एक गाड़ी आ रही है, ये भाई साहब जी लिफ्ट तो नहीं देंगे, गाड़ी गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, अबे रोक, ए हेलो भाई पागल है क्या, रोक ही नहीं रहा इधर तेरी ऐसे कि मेरे को डराएगा तू, है मेरे को डराएगा, आराम से खड़ा था ना मैं, रुक जाओ इसके, एक तो देख भाई खाना पड़ेगा, बच गया वरना तो वो पुलिस को कॉल कर रहा है, बंदे बुला। ओ भाई ये वैसे एक चीज़ आप लोग ने नोटिस करी भाई, दोबारा से पुलिस आ गई यार, रुक जाओ अपनी गाड़ी भाई मैं इसी गांव में ले लेता हूँ, मैं एक दो बारी पहले भी इस जगह पर छुपने के लिए आया हूँ, यहाँ पर पुलिस वाले जल्दी आते नहीं है, यहीं कहीं पर ना साइड में अपनी गाड़ी लगा लेता हूँ, वरना कोई गलत सीन हो जाएगा ना तो खाली पीली मैं फंस जाऊँगा। चूहों को देखो भाई, अभी टायर के नीचे आ जाएंगे तो अलग ही सीन हो जाएगा फिर इनका। हाँ तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं, और अब बस मूवी भाई जल्दी से हमारे नाम हो जाए। और वैसे भी ये मूवी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, इसके शूट के लिए हमें लिबर्टी भी जाना है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.4 मिलियन लाइक के लिए। वैसे हाँ, लाइक गोल अगर कंप्लीट होगा तो जल्दी जल्दी वीडियो आएगी, इसलिए लाइक का बटन दबा दो। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। Yeah.